हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चा लोग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाउ इज एवरीबडी डू एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्या मैं ऑडिबल हूँ क्या मैं विजिबल हूँ आप मुझे देख पा रहे हैं येस hmm. yes. देख पा रहे हो वी आर लाइव वी आर लाइव एंड बच्चे वी आर लाइव यस 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 हु ऑल इज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सुपर 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 सेशन सुपर ट्रिक्स एनिमल किंगडम आज मेरी गारंटी है कि तुम्हें क्लास में ही याद करवा के भेजने वाली हूँ आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एनिमल किंगडम में जैसे प्लांट किंगडम हमने बहुत अच्छे से रिवाइज करा था बच्चे उसी तरह हम एनिमल किंगडम भी रिवाइज करने वाले हैं बस वो उस दिन थोड़ा सा यू you नो know, लोचा हो गया हमारे साथ है ना थोड़ा लोचा हो गया बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो जाता है ऐसी ऐसी बातें तो होती रहती हैं है ना है ना है ना ये कहाँ रह गए अपने बच्चे चलो ओके लेट स्टार्ट पहुँचे पहुँचे आई एम ऑडिबल आई एम विजिबल ओके चलो ठीक है ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे आज के बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगा आई विल मेक श्योर कि प्रॉब्लम ना रहे सो so, हम लोग <coughs> पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि भाई अपन लोग करने वाले हैं इसको कैसे खत्म जो भी बच्चा नया आया मेरे सेशन में तो बच्चे हम सिर्फ और सिर्फ पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन कहीं और से बनने नहीं वाले तो इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे विल जस्ट फोकस ऑन द राइट सो वन थिंग एंड मैं आपको अपने नोट देने वाली हूं जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनवाए हैं वो नोट आपको मिल जाएंगे सुपर नोट आपको मिल जाएंगे एंड मैं बच्चे आपको ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके वजह से आपको ये चैप्टर के जो ना जिसमें दिक्कत होती है वो याद हो जाएंगे यहीं पे याद करके जाओगे कर क्वेश्चन नहीं बनेगा हम उसको भी पढ़ेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा हम ज्यादा हम इंपॉर्टेंस उसको देने वाले जिससे क्वेश्चन बनने वाले और वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा यू विल गेट डीपीपीज बच्चे आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा मैं चाहती हूँ कि थ्री तुम्हारा पेपर का भी तैयारी हो जाए और एनिमल किंगडम का भी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए तो शुरू करते हैं ठीक है शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग बहुत बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया एक न्यूज है कि बच्चे अन अकेडमी का अब फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफर आपका चल रहा है जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट ट्वेंटी ऑफ मिलेगा ये देखेगा ठीक है एंड दिस इज वैलिड टिल फोर्टीन अप्रैल ये क्यों मैं तुम्हें तो बता रही हूं बिकॉज मेरा बैच आ रहा है बच्चे बैच आ रहा है ट्वेंटी फोर के लिए भी और ट्वेंटी फाइव के लिए भी तो आपका कोई छोटा भाई बहन पड़ोसी कोई हो जो हु इज यू नो वॉन्टिंग भाई मैं डॉक्टर बनूंगा और अब मुझे अपनी नीट की तैयारी शुरू करनी है प्रिपरेशन शुरू करनी है तो बच्चे दिस इज द राइट टाइम दिस इज द राइट टाइम आपको एक ही बैच में सारे के सारे अमेजिंग टीचर्स मिल रहे हैं ऑल द अमेजिंग टीचर्स इन वन बैच लक्ष्य बैच हमारा शुरू हो रहा है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बच्चे एंड आपका Uh, शौर्य बैच शुरू हो रहा है 24 के लिए और अभी 20% परसेंट ऑफ चल रहा है फ्लैट वेन यू यूज़ माई कोड गार्गी तो आपको फ्लैट 20% परसेंट ऑफ मिल रहा है बच्चे इसके साथ साथ आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा कोई भी दिक्कत होगी यू विल रीच आउट टू मी एंड अभी के लिए बच्चे जो आपका प्राइस है दैट इज इलेवन ठीक है ना वो स्टोर के लिए स्टोर के लिए मतलब मैम मीनिंग ऑफ स्टोर स्टोर मतलब बच्चे की आपको सिर्फ और सिर्फ और इस बैच का एक्सेस मिलेगा जब आप प्लस लेते हैं पूरा प्लस, which is for 33, 99, उसमें आपको हर एक बैच का मिलता है हर एक बैच का जो भी प्लस पे हो रहा होगा कोई भी टीचर हो कहीं भी पढ़ा रहा हो उसके सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा वेन यू गो फॉर स्टोर यू विल गेट द एक्सेस टू ओनली वन बैच विच इज श्योर बैच ठीक है ना एंड बच्चे कोड गार्गिल है क्योंकि एक ऐसा टीचर जो तुम्हारे साथ पूरा साल खड़ा रहा है पूरा साल उसने तुम पे मेहनत करी है आपको उसके गाइडेंस की बहुत 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 जरूरत है गाइडेंस बड़ा ही ज्यादा मैटर करता है बच्चे आपके पेपर में एंड एक और चीज बच्चे की अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए थोड़े पैसे ज्यादा हो रहे हैं देन बच्चे यू कैन एनरोल इन द स्कॉलरशिप टेस्ट वहां पर भी आप मेरा कोड लगाएंगे बच्चे ठीक है कोड लगाएंगे एंड पहुंच जाएंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट को एनरोल करा जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मैं चाहती हूं कि आप मिनिमम पैसे देके हमारे साथ क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले क्योंकि बच्चे अगर मतलब स्कॉलरशिप कितना बढ़िया लगेगा तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स को बताने में कि देखिए हमें तो स्कॉलरशिप के साथ हम पढ़ रहे हैं सच ए ग्रेट फीलिंग और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्कॉलरशिप टेस्ट एंड आई वॉन्ट कि आप ही टॉप पे आए बच्चे

और बच्चे रैपिड रिवीजन होगा एंड आई विल मेक श्योर कि एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पे कवर होगा गारंटी है मेरी ठीक है मेरी गारंटी है बिल्कुल गारंटी है गार्गी मैम की गारंटी है ब्रो मैम की गारंटी है शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम को विद द फाइलम भी कौन-कौन से फाइलम है तुम्हारे पास तुम्हारे पास है पॉरीफेरा नीडेरिया टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंथेस यू हैव एस के हेलमेंथेस यू है अरेज करने के भी क्वेश्चन आता है अब उसको अरेज कैसे करें मैम याद नहीं रहता सबसे पहले तो पॉलीफेरा है लास्ट में कॉडेटा आता है बीच में सब जम्बल हो जाता है भूल जाते हैं तो उसको याद करने की ट्रिक ट्रिक नंबर वन ठीक है अब देखते जाना कितनी ट्रिक्स है ट्रिक नंबर वन इज पी सी सी ठीक है पी सी सी प्लीज नाम इको हम करेंगे ठीक है नाम को हम एको कर देंगे

एनिमल किंगडम से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम से कम दो क्वेश्चन आपको बेसिक ऑफ ऑफ बेसिक्स क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से से आएंगे का क्या बेसिस है वहां से आ जाएंगे दो क्वेश्चन दिस इज गारंटी ठीक है बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि दो से तीन क्वेश्चन आते हैं तीन चार भी आ जाते हैं कभी कभी दो क्वेश्चन यहां से आने आने दो क्वेश्चन यहां से आने आने है। एक क्वेश्चन से आएगा किसी का यूनिक कैरेक्टर दे, दे देंगे और पूछेंगे बताइए कौन है पहचान कौन वो आ जाएगा सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है चलो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब जो बहुत ही छोटे पुराने हैं वो कैसे होंगे क्या उनके पास सब कुछ स्पेशल स्पेशल बन चुका होगा नहीं बना होगा रे कैसे होंगे सेल्स ऐसे बिखरे हुए से सेल्स होंगे जैसे कि पॉरीफेरा जैसे कि पॉरीफेरा फिर बनेगा बच्चे टिश्यू सेल्स मिल मिलके, मिल के मिल मिल के क्या बना लेंगे टिश्यू बना लेंगे है ना टिश्यू बना लेंगे किसमें निडेरिया एंटीनोफोरा मैंने क्या बोला था आपको कि जहां जहां निडेरिया जाता है वहाँ वहाँ टीनू आ, आ जाता है ये क्या है इसका पिछलगु है ठीक है हम उसको पंजाबी में बोलते हैं पिछलगु तो निडेरिया के पीछे पीछे टीनोफोरा ठीक है जहाँ जहाँ तुम सनम वहाँ वहाँ हम ऑर्गन सिस्टम बच्चे कहाँ आया जब ऑर्गन डेवलप होने शुरू हो गए वो आया प्लेटी हेलमिथिस में वो आया प्लेटी हेलमिथ तो क्वेश्चन पूछा तो जा सकता सब तो है सबसे पहले ऑर्गन कहाँ बने ठीक है और नॉट ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले ऑर्गन कहां बने प्लेटिथिस और आंसर विल बी प्लेटी हेलमिंथिस अगर पूछ लिया ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले कहां अपियर हुआ यू विल से एसके यू विल से एसके हेलमिंथिस और उसके बाद हर एक में बच्चे ऑर्गन सिस्टम था ही हर एक में ऑर्गन सिस्टम था ही वेरी गुड वेरी गुड अब बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान कैसा हो सकता है आपका बॉडी प्लान इज बेसिकली अगर मैं इसको डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेट कर दूं तो चलेगा ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेट कर दूं तो बच्चे चले गए देखो या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं आप सेल के अंदर ही डाइजेशन कर रहे हो अगर आप बहुत पुराने जमाने के हो तो आप सेल के अंदर ही डाइजेशन कर रहे हो एक तो ये हो गया ठीक है विच इज योर सेल एग्रीगेट कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो किसका होगा बहुत पहला हाँ परदादा कौन है पॉरीफेरा ये आ गए या फिर बच्चे ऐसा होगा कि आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक क्या है इनकम्प्लीट क्यों मैम क्यों इनकम्प्लीट है क्योंकि बच्चे देखो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया यहां पे अंदर जाने के लिए भी एक ही ओपनिंग बाहर आने के लिए भी एक ही ओपनिंग ठीक है तो खाना भी वहीं से और पुप्पू भी वहीं से ऐसा समझ लो दिस इज द एलिमेंट्री के नाम दिस इज द गट ठीक है ये क्या है ये है तुम्हारा गट इनकलीट है ये किस में होता है बच्चे निडेरिया में होगा निडेरिया के पीछे पीछे कौन जाएगा टीनोफोरा जाएगा और कौन होगा यहाँ पे फ्लैटी हेलमिंथिस भी होगा यू विल सी फ्लैटी हेलमिंथिस भी यही है यही है यही है अच्छा एक होगा बच्चे कंप्लीट हो गया बिल्कुल एक खाने के लिए अलग से ओपनिंग और पुप्पू के लिए अलग से ओपनिंग ठीक है ऐसे ही होना चाहिए भाई ऐसा थोड़े नॉने चाहिए खाने के लिए भी सेम है निकालने के लिए भी सेम है वो तो नहीं होना चाहिए बट यार जैसे एवोल्यूशन हुआ उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर दिया सो दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नोन एज बच्चे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव अ प्रॉपर माउथ यू हैव प्रॉपर एन एस भगवान ने तुम्हें ठीक बनाया है ये कहा मिलेगा आपको प्लेटी हेलमेंथिस के बाद सारे के सारे ठीक है मतलब एस के हेलमेंथिस से कॉडेटा तक ए टू सी सारे के सारे कहा है बच्चे ए टू सी ठीक है ए टू सी सब इसमें सब के पास ट्यूब विद इन ट्यूब होगा कंप्लीट होगा नाउ मूविंग ऑन टू द दर्क्यूलेटरी सिस्टम अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे आ जाओ सर्क्यूलेटरी ना कि देखो सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि कुछ सर्क्यूलेटरी सिस्टम आपको ऐसे मिलेंगे हे hey, भगवान हा चलो कुछ भी बातें मत बोलो यहाँ पे चलो 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 बच्चे वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर ओके ठीक है चाहे तुम लोग आए नहीं हो लेकिन हमें <laughs> जो बच्चा आया बच्चे जो बच्चा है ना दैट बच्चा इज माई रॉक स्टार दैट बच्चा इज माई रॉक स्टार आई एम सो प्राउड ऑफ यू आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू ठीक है हाँ जी हाँ जी आ जाओ आज आ जाओ बच्चे ठीक है फटाफट से इस चैप्टर को करते हैं ताकि तुम्हें तुम्हें इस चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं रहे और मुझे ना जब सेशन खत्म हो जाएगा डू लेट मी नो कि मैम ये वाला सेशन ने हमें बहुत हेल्प करी और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे आप एक कमेंट छोड़ के जाना अगर कॉमेंट छोड़ के जाना आपको लगे कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैम के लिए क्या लिखूँ तो एक दिल बना के चले जाना एक दिल बना के चले जाना बच्चे मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे सेशन से आपको हेल्प हुई एंड इट जस्ट मोटिवेट्स मी कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें प्लान करती रहूं यस yes? चलो एंड लाइक like भी कर देना एंड प्लीज लाइक कर देना यस yes, बच्चे लव लव यू यू ऑल 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 द जो आए हैं एनिमल किंगडम का सेशन मेरे साथ लगाने लव यू ऑल बच्चों यू आर माई रॉक ठीक है यू आर माई रॉक ओके जी चलो दिल दिल बना के जाने का है दिल फेंक देना जरा कमेंट्स में जब सेशन खत्म हो जाएगा चलो बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अभी मैं कुछ देर के लिए चैट्स पे ध्यान नहीं दूंगी बिकॉज आई वांट कि ये चैप्टर ना हम आ, अच्छे से तरीके से टाइम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के नहीं ठीक टाइम फ्रेम में खत्म कर लें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ओपन होता है क्लोज होता है ओपन कैसा होगा ओपन होगा बच्चे ओपन से स, तुम्हें क्या समझ में ना ओपन मतलब सारी चीज़ें ऐसे बिखरी सी हुई हैं बिखरी हुई है क्या बिखरी हुई है आपका ब्लड बिखरा हुआ है आपका ब्लड आके ना ऐसे ओपन एरियाज में ओपन एरियाज में बिखर जाता है ठीक है तो तुम्हारे सेल तुम्हारे टिश्यूज दे आर बेदिंग इन योर दे आर बेदिंग इन योर ब्लड डायरेक्टली आपका बॉडी वेयर इज योर बॉडी नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ योर ब्लड कभी भी आपके ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता आपका बॉडी उसको बोलते हैं क्लोज बिकॉज यू हैव कैपिलरीज आपके पास क्या है बच्चे कैपिलरीज हैं यू हैव कैपिलरीज आपके पास कैपिलरीज का तंत्र है है ना उसकी वजह से आपको कभी भी आमना सामना नहीं होता आपके टिश्यू का ब्लड के साथ तो क्लोज बच्चे किसमें क्लोज आपको मिलेगा कॉर्डेटा में एंड एनिलिडा में बाकी सब में ओपन है ठीक है बाकी सब में ओपन है सब मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी ने ज्यादा मचाया नहीं था शुरू में एनिलीडा ने मचाया था फिर फिर उसके बाद फिर से ओपन हो गया था सिमेट्री अगर बोले तो मैंने सिमेट्री लास्ट टाइम क्या बताया था कितने बच्चों को याद है वो एग्जांपल जब सिमेट्री में पढ़ा रही थी कितने बच्चों को याद है तो सिमेट्री के बाद केस में मैंने बोला था कि जैसे ये तो तुम्हारा छोटा भाई बहन भी तुम्हें बोल देगा कि दीदी सिमेट्री की बात हो रही है सिमेट्री मतलब तो दीदी ए होगा ए कौन होगा बच्चे जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते अब किसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते जैसे कि पोरीफेरा उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो क्यों मैम क्यों नहीं डिवाइड कर सकते देखो तो जरा पॉरीफेरा की शक्ल तो देख लो यार ये ये डिवाइड होगा क्या तुम इसको डिवाइड कर सकते हो हाफ में नहीं कर सकते ठीक है तो बच्चा तुम्हें बता के चला गया तुम्हारा छोटा भाई बहन अब रेडियल उसने बोला दीदी रेडियल तो बड़ा आसान है रेडियल तो मतलब हर हर प्लेन में कट हो जाएगा और इक्वल हाफ्स बन जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे बेटे कैसे बन जाएंगे ये देखो इसको देखो ये देख लो तुम ये क्या रेडियल नहीं है इसको तुम किसी भी किसी भी

Ed, uh, जो एडल्ट होता है इकाइनो का उसमें जो एडल्ट है वो हो गया प्रमेटिव कंडीशन वाला कैरेक्टर वाला लेकिन जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल है उसके पास बायोलेट्रल सिमेट्री है ये क्या बात होगी तो ये याद रखना है दिस इज योर पी वाई क्यू वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है आ जाओ बाइलेट्रल कहां होगी छोटा बच्चा तुम्हारा भाई बहन बन हा? फिर से आएगा बोलेगा दीदी दीदी बाइलेट्रल तो वो था जो दो हाथ में डिवाइड हो जाए ओनली इन वन प्लेन सिर्फ एक प्लेन में जैसे प्लेटी हेलमेंथे से कॉर्डेटा तक बच्चे एंड लार्वा ऑफ इकाइनोडरमेटा वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैंने यहां पे हाईलाइट भी करा हुआ है अब आ जाओ बच्चे जर्म लेयर आपके पास तीन जर्म लेयर्स होते हैं ठीक है नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस यू हैव थ्री जर्म लेयर फॉर एग्जाम्पल इन योर केस यू हैव थ्री जर्म लेयर आपके केस में अगर मैं बात करूँ बच्चे जब एम्ब्रियो बनता है ना वो जर्म लेयर्स बनाता है आपके जितने भी ऑर्गन हैं, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट जर्म लेयर से बनते हैं ओके अब कुछ ऐसे हैं जिनके पास जर्म लेयर बनती ही नहीं है पुराने पोरीफेरा जो पुराने हैं वो इनके पास नहीं बनेगी कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास दो ही जर्म लेयर बनती हैं यू हैव ना यू हैव एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड ठीक है three, Ectoderm, लेकिन इनके पास दो ही बनती हैं कौन सी एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म ठीक है जी क्या बनती है बच्चे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही बनती है डिप्लो के पास तो ये क्या है मैम बीच में पिंक पिंक कलर का व्हाट इज दिस मैम ये जो पिंक कलर का यहाँ पे बीच में दिखाया गया दिस इज मीजोग्लिया बच्चे This is, this is not a layer. ये लेयर क्यों नहीं है, बच्चे ये नॉन सेलुलर होती है ये ये से से नहीं बनी बनी हुई है। अगर ये सेल से बनी होती, तो मैं यहां पे ट्रिपलो प्लास्टिक बोल देती लेकिन ये सेल से नहीं बनी हुई है और ये कहा होगा निडेरिया टीनोफोरा किधर होगा निडेरिया टीनोफोरा वही दो साथ साथ चलते आ रहे हैं साथ साथ चलते आ रहे हैं एंड बच्चे ट्रिपलो प्लास्टिक पर क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे पहले

सिलोम ओम पहले तो सब लोग को ओम ओम बोलना चाहिए हर रोज ठीक है बोलते हो या नहीं बोलते हो बोलते हो या नहीं बोलते हो ठीक है ऐसे आंख बंद करके कान बंद करके ओम बोलो ना तो काफी दिमाग शांत होता है है ना आई तो प्रैक्टिस दिस एवरी डे ओके चलो <coughs> सिलोम बच्चे सिलोम क्या है बॉडी कैविटी मैम बॉडी कैविटी क्यों बनी क्या जरूरत है मैम हमें इस खालीपन की वैसे खाली नहीं होती है बच्चे जैसे जैसे आप एडवांस्ड होते गए देखो हमने पढ़ा था ना ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम अब तुम्हारे इतने सारे ऑर्गन सिस्टम आ गया उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपकी देखो कितनी आई वॉन्ट टू अकोमोडेट माई ऑर्गन मैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुकी हूँ मुझे अकोमोडेट करना पड़ेगा ना कि आ, क्या कहते हैं जो बहुत परिमेटिव होते हैं उनकी तरह नहीं उनको जरूरत ही नहीं है बच्चे अरे कहा गया उनको जरूरत ही नहीं है दे डोंट नीड इट इनको जरूरत ही नहीं है जैसे कि पोरीफेरा निडेरिया टीनोफोरा एंड प्लाटीन हेलमेंथिस दे डोंट नीड इट इनको जरूरत नहीं है ठीक है इनको जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे बॉडी कैविटी बनी नहीं ए है ए सिलोमेट्स हैं अब आ गए स्यूडो सिलोमेट्स झूठे सिलोमेट्स ठीक है एस के हेलमेंथेस है इसमें एस के हेलवेंथेज है मैम आप इनको झूठा क्यों बोल रहे हो मैम बच्चे ट्रू बॉडी कैविटी वो होती है विच इज लाइंड बाय द मीजोडम ठीक है अंदर से दोनों तरफ से इट शुड बी लाइन बाय द मीजोडम देखो जैसे ये है तुम्हारी बॉडी कैविटी दिस इज द बॉडी कैविटी ठीक है ये है तुम्हारा एंडोडम और ये है तुम्हारा एक्टोडम अब देखो इसको किसने लाइन करा हुआ है पिंक वाला क्या है मीजोडम Mesoderm ने बच्चे यहां से भी लाइन करा हुआ है और यहाँ से भी लाइन करा हुआ है मैं इसी को ट्रू बॉडी कैविटी बोलती हूँ अदरवाइज इसको ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू हैव एक्टोडम यू हैव एंडोडम बट यहाँ पे पैचेज हैं पाउचेस बोलते हैं इसको पाउचे हैं मीजोडम के पाउचेज हैं मिजोडम इज नॉट लाइनिंग द बॉडी कैविटी ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है इसलिए मैं इसको बोलूंगी सूडो

बार बार रिपीट होने चाहिए सेगमेंट रिपीट होने चाहिए है ना यस yes. सेगमेंट रिपीट होने चाहिए अब इन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है सेगमेंट्स सेगमेंट्स आर नोन एज इन को क्या बोलते हैं बच्चे इनको बोला जाता है मेटा मेयर Meta बोला जाता है इन सेगमेंट्स को जो रिपीट हो रहे हैं दीज सेगमेंट्स आर मेटामियस या फिर हम इनको और क्या बोल सकते हैं सोमाइट भी बोला जाता है बच्चे दे आर ऑल्सो नोन एज सोमाइट ठीक है चलो सोमाइट मैम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन द नेक्स्ट चैप्टर ठीक है ना हाँ चलो ओके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी यार हो तो रही हर रोज मैं तुम्हारे मॉक टेस्ट ले रही हूँ शाम को तुम आते क्यों नहीं हो आज नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आज मुझे 2025 के बैच का ओरिएंटेशन देना है उन बच्चों का ओरिएंटेशन देना है उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी तब आज इसलिए नहीं ले पा रही हूँ फिर तो अदरवाइज 7 पीएम हमारा मॉक टेस्ट रहता है कल भी होगा कल भी हुआ था आप कहां रहते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो रही है? Question practice हो रही है बच्चे आज मुझे 2025 के बैच का ओरिएंटेशन देना है इसलिए मैं आपका मॉक टेस्ट नहीं ले पा रही हूं बट कर लेंगे कल भी लिया था ठीक है हाँ जी चलो आ जाओ ओके okay बच्चे कुछ आपके स्यूडो सेगमेंटेशन वाले अच्छा नहीं सेगमेंटेशन किस में होगा मैम सेगमेंटेशन होता है बच्चे एनिलीडा में आर्थ्रोपोडा में हम कॉकरोच पढ़ेंगे देखोगे तुम उसके सेगमेंट्स करवाऊंगी मैं तुम्हें एंड आल्सो इन केस ऑफ कॉडेटा तुम्हारे केस में सेगमेंटेशन है या नहीं है सेगमेंटेशन इज नॉट विजिबल इंटरनल है तुम्हारी वोटिप्रल कॉलम सेगमेंटेशन है या नहीं है बिल्कुल है तुम्हारी मसल्स सेगमेंटेशन है या नहीं है बिल्कुल है बच्चे है आप लोग सेगमेंटेड में आते हैं ठीक है यस यू हैव मेटामेरिज्म ओके जी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो सूडो सेगमेंटेशन शो करते हैं जैसे कि

जब तुम मम्मी की थे तो तुम बड़े ही नाजुक थे बड़े ही डेलिकेट थे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमने एक ऐसा ही रॉड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा ऑन द डॉसल साइडल साइड विच वॉज मेंट फॉर सपोर्ट ये हर एक कॉर्डेट में होता है उसी के बेसिस पे हमने नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बनाया है ओके तो दिस इज मेंट फॉर सपोर्ट ओनली बच्चे कॉर्डेटा में होगा ठीक है नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है ओके जी चलो अब ये जो जितनी भी मैंने बातें तुम्हें बताई उसमें से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे कितने क्वेश्चन पक्का आएंगे टू आएंगे, ही आएंगे दो क्वेश्चन तो अच्छा, टेस्ट होता है आपका ये आन अकेडमी की स्पेशल क्लास पे होता वो क्लास फ्री है वो क्लास फ्री है ठीक है आपको ये जो नोट जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको ये नोट्स आपको डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे उसी टेलीग्राम पे बच्चे आपको मेरे फ्री क्लासेस का लिंक भी मिल जाता है उसी टेलीग्राम पे फ्री क्लासेस का लिंक भी मिल जाता है आपको कुछ नहीं करना बस गार्गी कोड लगा के पहुंच जाना है ठीक है गार्गी कोड लगाना और पहुंच जाना है दिस इज एपसोल्यूटली फ्री हर रोज लेती हूँ मैं आज क्योंकि मैं पच्चीस वाले बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हूं इसलिए नहीं ले पा रही हूँ बट आई टेक इट एवरीडे ओके okay, अब इससे मैंने क्या कंक्लूड करा मैंने ये कंक्लूड करा कि सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म उसमें रेडियो सिमेट्री होती है और वो एसिलोमेट होते हैं देखना जरा जो भी बताया ना अभी उसको देखना जरा ध्यान से ये ये, निकलेगा आपका निष्कर्ष प्लेटिन बच्चे पहले ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं बायट्रल सिमेट्री वाले एसिलोमेट्स हैं इन इनपे क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए अलग से लाइन लिख दी है क्योंकि इन इनपे क्वेश्चन आए हुए हैं प्लेटिन पर बहुत बार क्वेश्चन आया प्लेटी इज फेवरेट ठीक है हाँ जी आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपको पूरा प्रॉपर स्कड्यूल मिल जाएगा और कैसे हम उसको मास्टर करने वाले ना बच्चे वो मिल जाएगा PM पर. बिल्कुल, मतलब, मैं आपको एक ऐसा चलो आ जाओ बच्चे अब हम शुरू करेंगे विद द फाइलम्स में क्रिस्प सिर्फ वो चीज पे ध्यान देना जिससे क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन किससे आएगा बच्चे क्वेश्चन आएगा यूनिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आएगा यूनिक कैरेक्टर से ठीक है तो हर एक का यूनिक कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए जैसे कि पॉरीफेरा पॉरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर क्या है बच्चे पॉरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर क्या है पॉरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर है ये दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ पॉरीफेरा पॉरीफेरा के जो बॉडी है उसमें क्या है छिद्र बने हुए हैं ठीक है देर आर लॉट ऑफ पोर्स वी नो दैट दिस पोर विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम प्लीज जल्दी-जल्दी रिवीजन करते हैं चलो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंड आल्सो एग्जांपल दो चीजें जो हमें याद करनी है और ट्रिक्स के साथ में लाई देखो आई हैव द ट्रिक्स ऑल द ट्रिक्स आई हैव यस चलो सो दिस इज योर पॉरीफेरा डायग्राम मैंने पहले से ही ड्रा कर लिया देखो हर एक चीज के ताकि आपको टाइम ना लगे चल आ जाओ बॉडी फेरा बच्चे देखो बॉडी में एक मेन पोर आपको दिख रहा है विच इज नोन एज ऑस्कुलम एक ही होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्कुलम कितने होते हैं एक होता है ऑस्टिया कितने होते हैं बहुत सारे होते हैं ऑस्कुलम वन ऑस्टिया बहुत सारे दीज आर ऑस्टिया ठीक है सिंगुलर बोलू तो ऑस्टियम द बॉडी इज सपोर्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ फाइबर्स ठीक है कुछ फाइबर जैसे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलते हैं बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इनको क्या बोला जाता है स्पिक्यूल्स बोला जाता है दे आर नोन एज ओके चल अब ना इसकी ये देख रहे हो ये देख रहे हो दिस दिस इज द स्पों ठीक है ये क्या है ये जो खाली सी जगह तुम्हें दिख रही है पानी से भरी हुई है ये दिस इज स्पॉन्जियोसील स्पियोसील और ये दिख रहे हैं तुम्हें ये जो सेल्स यहाँ पे लाइन लाइनिंग बनी हुई है एक दीज से स्पेशल सेल्स विच आर नोन एज क्वेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स बच्चे ये जो क्वैनोसाइट हैं या ये जो कॉलर सेल्स हैं दीज आर द सेल्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन इंटरा सेल्यूलर डाइजेशन इंटरा सेल्यूलर डाइजेशन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रे बालको कि यहाँ पे डाइजेशन कैसा होता है और कौन हेल्प करता है सो दीज आर द कॉलर सेल्स हेल्प इन डाइजेशन ठीक है इसके बाद और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये तो पानी में होते हैं तो पानी कहां से कहां मूव करता है बच्चे पानी सबसे पहले जाएगा एंटर करेगा ऑस्टियम के थ्रू देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी है रास्ता फिर कहा जाएगा स्पॉन्जियो सील में जाएगा ठीक है कहा जाएगा स्पॉन्जियो सील में जाएगा एंड देन बाहर आएगा बच्चे ऑस्क्यूलम से इसी पानी के अंदर खुद फूड मटेरियल भी होगा जो कि क्वैनोसाइट ले लेंगे और डाइजेशन कर देंगे ठीक है <laughs> ओके चलो मैम ये चैप्टर मैंने किया नहीं है तो कितनी हेल्प होगी मैम सच में पूछ रही हूं प्लीज बताइए मैम मैं रिवाइज करूं मैं सच में बता रही हूं बच्चे तुमने अगर तुमने मेरे साथ ये चैप्टर आई वुड से अगले एक घंटे में शायद खत्म हो जाए अगर आपने मेरे साथ एक घंटे तक टिक के बैठ के ये चैप्टर कर लिया ना आपके सोलह नंबर कहीं नहीं गए मेरी गारंटी है लेकिन बैठ के टिक के आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा अदरवाइज बच्चे अगर आप बीच में ही चले जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है फिर तो मेरी कोई गारंटी नहीं है देन नो गारंटी मेरी कोई गारंटी नहीं लेकिन अगर तुम लास्ट तक कितना एक घंटा और बोल रही हूं मैं बैठोगे आराम से टिक के ठीक है देन कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आई कैन गारंटी यू यू क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर पाएंगे yes? ठीक है जी मैं आपके साथ एंड तक हूं शी आई नो दैट ओके एंड फटाफट से सेशन को लाइक कर दो बच्चे ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए है ना बहुत मेहनत लगती है एक टीचर की आपको पढ़ाने में रोज आकर पढ़ाने में पूरा साल से हर रोज आके पढ़ा रहे हो दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन लॉट ऑफ यू नो मोटिवेशन हाँ चलो आ जाइए अब बच्चे देखो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं उनको हाईलाइट कर देना है यहाँ पे ताकि आप जब इस टेबल को पढ़ो ना ये देखो ब्यूटीफुल टेबल जब आप इस टेबल को पढ़ो ना तो मतलब मजा आ जाए ठीक है बड़े यार बोल बोल के नोट्स बनवाए हुए हैं ठीक है और इन नोट्स को बनवाने में बहुत पेशेंस लगती है ओके पैसे भी लगते हैं यस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट और इतने पैसे होते नहीं हैं यार मेरे पास लेकिन क्यों कर रही हूँ ये ताकि आपको एक बहुत बढ़िया तरीके का कॉन्टेंट मिल जाए ऐसा कॉन्टेंट मिल जाए जिससे आपको हेल्प हो बिकॉज ठीक है अभी मुझे थोड़े पैसे लगाने पड़ रहे हैं एंड एक्चुअली ये नोट्स थोड़े महंगे ही बनते हैं बट बच्चे क्या है ना कि अगर आपके पास ये तरीके वाले नोट्स आ जाएंगे ना दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर लॉट और उस चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा ना वो सेटिस्फेक्शन शायद स आई नो मेरे को बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है वो वर्थ इट है दैट इज वर्थ इट ठीक है दैट इज वर्थ इट यस बच्ची चलो हाँ जी ठीक है तो बनवाए हैं तरीके से इनको देख लो आ जाओ तो भाई स्पीज होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं ये मैंने आपको बताया था एंड बच्चे डाइजेशन इंटरा होता है <coughs> ठीक है रेस्पिरेशन सेल सरफेस पे होता है ओके ठीक है हाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ जी दीज नोट्स आर हेल्पिंग यू आर रॉट थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच तो वही वही जो मैं टाइम लगा रही हूँ बिकॉज मैं उनको बोलती हूँ मुझे नोट्स बना के भेजो एंड फिर मैं चेक भी करती हूँ टाइम लगता है मनी लगता है वो सब बस एक बार ना बस आप लोगों की अगर हेल्प हो रही है ना देन एवरी थिंग इज़ वर्थ इट इट इज़ वर्थ इट इट इज़ वर्थ इट ठीक है हाँ जी चलो आ जाओ बच्चे फ्रेगमेंटेशन जेमयूज ठीक है इससे होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो हर एक केस में ना हमें यूनिक कैरेक्टर पता होना चाहिए दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या सेक्सेस सेपरेट है या हर्मोफ्रोडाइट्स uh, हैं क्या यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है ये कुछ चीजें हैं ठीक है यूनिक फीचर बच्चे मैंने नीचे यूनिक फीचर सारे के सारे यूनिक फीचर आपको नीचे लिखे हुए मिल रहे हैं तो मतलब एक पांच दस मिनट में आप यूनिक फीचर अगर देख के चले जाओगे ना पेपर से पहले तो आपके नंबर कहीं नहीं गए चलो ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेनोसाइट्स है, है।, है ये जो मैंने बताया था ना सबसे पहले पानी यहां जाएगा ऑस्ट्रिया में जाएगा फिर ऑस्ट्रियम से निकल जाएगा ठीक है ऑस्ट्रियम से निकल जाएगा दैट इज व्हाट दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट मैम आप इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखें बच्चे एग्जाम्पल याद रखेंगे आज ही यहीं पर लर्न करके जाने का है ठीक है चलो चलो आ जाओ एग्जाम्पल क्या बच्चे सी यूरोपियन पोस्टल स्टैम्प सी बोले तो साइकॉन ठीक है यूरोपियन बोले तो यू स्पॉन्जिया पोस्टल बोले तो स्टैम्प्स बोले तो स्टेम याद होगा या नहीं होगा तो so, यू हैव साइकन यू स्पॉन्जिया यू यू हैव पॉरीफेरा एंड यू हैव स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला बच्चे क्या है आपका फ्रेश वाटर है बाकी सारे मेरीन ही होते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा की क्या oh, मतलब कैरेक्टर्स हैं चलो

चलो अब ये जो टेंटेकल्स है ना टेंटेकल्स को अगर मैं जूम करूं तो तुम्हें ये दिख रहा है इसके अंदर एक बैग सा दिख रहा है, एक पाउच, सा दिख रहा है? पाउच है ना बच्चे ये है तुम्हारा निडो ब्लास्ट, इसको बोला जाता है निडो ब्लास्ट या फिर स्टिंगिंग सेल या फिर निडो सिस्ट जिससे इनका नाम बना है जिससे इनका नाम बना है निडेरिया ठीक है जिससे इनका नाम बना है नीडेरिया इनका नाम इसी से बताएं चलो आ जाओ ओके जी और बच्चे इसी के अंदर ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें दिस दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज इसके अंदर जहर भरा हुआ है क्या भरा हुआ है इसी के अंदर भरा हुआ है जहर टॉक्सिन जब ये किसी को स्टिंग करते हैं यहीं से निकलता है टॉक्सिन और उसको कर देता है मूर्छित क्या कर देता है मूर्छित 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 ये किस लिए काम आते हैं बच्चे ये काम आते हैं निडोब्लास्ट किस लिए काम आते हैं कैप्चर को कैप्चर करने के लिए को डिफेंस के लिए ठीक है डिफेंस के लिए किसी को डरा के भगाने के लिए और किस लिए काम आते हैं और बच्चे दे आर सो मेंट फॉर एनकॉरेज के लिए लग चिपकने के लिए भी हेल्प करते हैं ओके okay, जी okay, चलो ओके चलो हाइपोस्टोम भी है हाइपोस्टोम इज सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स नाउ बच्चे दिस इज द गेस्ट ऑफ वेस्क्यूलर कैटी जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना ठीक है एक बड़ी, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूचना ओके okay. हाँ हाँ करवा दूंगी करवा दूंगी पी <coughs> क्यों ना मैं सोच रही हूँ सारे एक साथ करवा दू तुम मुझे जरा सजेशन देना मैं सोच रही हूँ बच्चे एक सेशन लेके सारे पीवाई क्यू एक साथ करा दूँ। बताइए ये मैं सोच रही हूं ठीक है यस yes, ये मेरा प्लानिंग है एक दिन तीन चार घंटे बैठ के सारे पी वाई क्यू लपेट लेंगे ठीक है यस yes, आ जाओ चलो जी आ जाओ तो बच्चे कुछ होती है फॉर्म जो होती है पॉले। पॉले, मतलब पड़ी हुई हैं घूम रही इधर उधर नहीं जा रही पड़ी हुई है जैसे तुम पड़े रहते हो तुम्हारी मम्मी परेशान है तुमसे क्या सारा दिन पड़ा रहता है सारा सारा दिन पड़ी रहती है पढ़ना नहीं है पढ़ना है पढ़ना तो पड़ी हुई है मूव नहीं कर रही मूव नहीं कर रही अब मूव नहीं कर रही तो इसको हम रिप्रोडक्शन करने देंगे क्या नहीं ये ए सेक्शुअल रिपोडक्शन ही करेगा ठीक है हम बोलेंगे तुम नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन ठीक है तुम्हें रिप्रोडक्शन करना है और उससे इसने क्या बनाया मेड्यूसा मेड्यूसा क्या है मेड्यूसा मतलब मस्त ठीक है मस्त कौन होगा जो घूम रहा है तो मेड्यूसा घूम रहा है एम्बरेला शेप्ड है अम्ब्रेला शेप्ड है घूम रहा है और मेड्यूसा क्योंकि घूम रहा है तो यही करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पास आना पड़ेगा या नहीं तो मेड्यूसा घूम रहा है ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर बना देगा पॉलिप ये क्या हो रहा है बच्चे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस इसी को बोला जाता है मेटाजेनेसिस इसी को बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओबेलिया फॉर इन केस ऑफ ओबेलिया ठीक है ग्रीक गॉड मेड्यूसा नहीं है ग्रीक गॉडेस है गॉडेस है मेड्यूसा गॉड नहीं है जिसको बाल की जगह पे सांप लगे हुए हैं अगर किसी को पता है किसी ने पढ़ा है हाँ किसी ने पढ़ा है कभी गॉड नहीं है गॉडेस होती है गॉडेस होती है बाल की जगह सांप लगे हुए हैं सांप मेड्यूसा उसको बोला जाता है ओके <laughs> okay, तो जरा मैं भी थोड़ी सी बता दूं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को भी है तो हम भी तुम्हें बता दे जरा हाँ चलो आ जाओ देखिए जरा ट्रिक क्या है इसकी मैम इसकी ट्रिक तो बता दीजिएगा uh, a... भी आ जाएगा ओबराय भी कर देते हैं बच्चे ओबरॉय ओबरॉय ठीक है ओबराय मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया विच इज ओबेलिया ओबेलिया सारे के सारे फिट कर दिए मैम ने लो सो एडम पास्ट फिजिक्स एंड गॉट ओबराय मेडिकल कॉलेज ठीक है जी एडम मतलब एडमसिया ठीक है जी एडम मतलब एडमसिया डन सी एनीमनी जिसको बोलते हैं कॉमन नेम बच्चे आप सब सारे लिख लेना प्लीज अगर मैंने कहीं नहीं लिखे हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट मतलब पेनेक्यूला पास्ट मतलब पेनेंट्यूला ठीक मतलब है अच्छा फिजिक्स से फाइजेलिया आ गया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर ठीक है जी गॉट से आ गया आपका गोरगोनिया सी फैन सी फैन ओके ए से आ गया ओरेलिया और क्या है बच्चे जेलीफिश है एंड मियंड्रीना आ गया मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज से आ गया मियड्रीना विच इज ब्रेन कोरल ओबराय से आ गया ओबेलिया एंड कॉलेज से आ गया सिलेंट्रेटा क्या ये याद हो जाएगा येस yes. क्या ये याद हो जाएगा क्या क्या ये याद हो जाएगा चलो ठीक है याद हो जाएगा डन एंड डस्टेड दिस इज डन एंड डस्टेड ठीक है सिलन ट्रेटा बच्चे डन एंड डस्टेड यहां पे जो जो चीजें लिखी हुई है वो मैंने सारी आपके साथ डिस्कस करा दी ठीक है ये देखो एवरीथिंग ऑल द यूनिक कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग वी आर डन एंड डस्टेड विच वेरी इंपॉर्टेंट की न्यूरोन सबसे पहली बार यहां पर ही अपियर हुए थे नाउ मूविंग ऑन टू द टीनो फोरा टीनो फोरा पे आ जाओ टीनो फोरा का जो डायग्राम है ये तो देख लो जरा टीनो फोरा ये रहा ट तो का क्या फंक्शन है ये होते हैं लोको मोशन में हेल्प करेंगे दे इन लोको मोशन। तो क्वेश्चन यही आता है इसमें से एक क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए बायोल्यूमिशंस कहा होता है कौन फेमस है बायोल्यूमिशंस के लिए तुम बोलोगे भाई

यूनिक कैरेक्टर प्लेट इसका क्या है यूनिक कैरेक्टर एवरी जाएंगे हम प्लेटी प्लेटी हेलमिथिस कैसे होते हैं फ्लैट होते हैं ये देखो. ये देखो, कैसा लग रहा है तुम्हें इसका सेक्शन अगर मैं कट करूंगी तो बेचारा कैसा दिखेगा ऐसा ही दिखेगा ना अगर मैंने इसका सेक्शन कर दिया कट तो ये ऐसा दिखेगा ना है ना फ्लैट दिखेगा ना इस तरीके का दिखेगा ये फ्लैट हैं देखो जरा जरा देख देख लो इसको देख रहे हो सोना सुनक्खा जो यहां पे बैठा हुआ है चलो ठीक है दिस इज योर टेप वॉर्म यह क्या है टेप है एंड बच्चे ये ये क्या है लिवर कैन कैन यू यू सी सी द द सकर्स सकर्स दिख रहे हैं सकर्स क्यों क्योंकि मोस्टली जो पैरासिटिक फॉर्म है उसको कहीं चिपकना होगा चिपकने के लिए उसको चाहिए सकर्स ठीक है चिपकने के लिए उसको चाहिए सकर्स ओके okay, चलो आ जाओ अब प्लेटिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं येस ठीक है चलो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ये बच्चे पहले कर लिया हमने इसमें कोई भी मैं नई बात नहीं बता रही तुम्हें ये पहले कर चुके हैं जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करा था ये वो है ओके फ्री लिविंग है चलो ठीक है इनके पास होते हैं फ्लेम सेल्स मैम फ्लेम सेल्स कैसे दिखते हैं दीज आर द फ्लेम सेल्स बच्चा लोग ये हैं तुम्हारे फ्लेम सेल्स वैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिस भी होते हैं ऐसे ऐसे इस तरह के प्रोसेसिस भी होते हैं बट मैंने थोड़ा सिंपल सा ही ड्रॉ करा है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ऐसे होते हैं वैसे ये एग्जैक्टली अगर देखे जाए तो ऐसे होते हैं विद साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बट मैंने इसको सिंपल ड्रॉ कर दिया फॉर यू अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं है, मैम क्योंकि ये जो है ना इनके पास सीलिया ऐसा लगता है कि कोई फ्लेम जल रही हो जब ये सीलिया मूव करते हैं ना ऐसा लगता है कोई लॉ जल रही हो दिया जल रहा हो है ना तो इसलिए इनको फ्लेम सेल्स बोला जाता है एंड दिस इज नोन एज सीलियरी फ्लेम दिस इज अ फ्लेम सेल इसको सोलैनोसाइट्स भी बोल सकते हैं बच्चे प्रोटोनिया भी बोल सकते हैं दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ इन्वॉल्व in होते हैं ठीक है चलो okay, हांजी आ जाओ ये हो गया तुम्हारा फ्लेम सेल्स मैंने यहाँ पे बता दिया उधर डायग्राम भी बनाया हुआ देख लेना अच्छा रीजनरेशन इनमें बड़ा ही ज्यादा तगड़ा होता है जैसे कि प्लेनेरिया ठीक है हर्मोफ्रोडाइट्स है अभी तक बाइसेक्शुअल ही चल रहा है यूनिसेक्शुअल नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन बच्चे इंटरनल ही चल रहा है ठीक है इनडायरेक्ट है डेवलपमेंट लार्वा हो सकते हैं अच्छा ये ये वाले यूनिक कैरेक्टर्स हैं इनके पास हुक्स होते हैं सकर्स होते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म लेकिन मैम याद कैसे करें ठीक है लेकिन मैम याद कैसे करें आ जाओ याद कर लेते हैं इसका जो ट्रिक है वो क्या है टेक फ्रेश प्लेट भाई गंदी प्लेट नहीं लेनी ठीक है फ्रेश प्लेट लेनी है ओके टेक फ्रेश प्लेट टेक से टेप वॉर्म फ्रेश से फ्रेशियोला प्लेट से प्लेनेरिया तीनों आ गए तीनों आ गए टेक फ्रेश प्लेट ठीक है और प्लेट कैसी होती है फ्लैट होती है ना प्लेट कैसी होती है फ्लैट होती है तो याद रखना कि ये प्लैटी हेल्मिन्थिस के ही अपने काम है ठीक है प्लेट कैसी होती है बच्चे फ्लैट होती है और प्लेट किसके लिए है प्लैटी के लिए भी है तुम ऐसे सोच सकते हो प्लेट इज शॉर्ट फॉर प्लैटी ओके चो ये हो गया अब हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट फाइलम व्हिच इज स्केल्मिंथेस

कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जी बिल्कुल है जी ठीक है अच्छा और एंड बच्चे इनमें होता है मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड दिस इज योर क्वेश्चन दिस बच्चे इज योर क्वेश्चन यहां से आएगा क्वेश्चन कि भाई बताइए कहां पर मस्कुलर फेरिंग्स इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड इधर ठीक है वेरी वेल डेवलप्ड मस्कुलर मस्क्यूलर फेरिंग्स एक्स्ट्रा सेल्युलर है डाइजेशन ओके ठीक है फ्री लिविंग बॉडी ठीक है ठीक है इस इसपे नहीं एक्सक्रीटरी पोर है इनके पास लेकिन एक्सक्रीटरी पोर कहाँ पे होता है बच्चे ये रहा एक्सक्रीशन के लिए दे हैव स्पेशल सेल्स जिनको हम बोलते हैं रेनेट सेल्स या फिर एच शेप्ड सेल्स ओके एंड हेयर इज द एक्सक्रीटरी पोर दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर जिसके बारे में आपकी एनसीआरटी बात करती है ठीक है जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी बात करती है शुभम मुझसे पूछ रहा मैम आप बायोलॉजी पढ़ाते हो नहीं शुभम ये केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है ठीक है मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ अभी थोड़ी देर में देखना एक मिनट के बाद फिजिक्स भी पढ़ाना शुरू करूंगी यहाँ पे रुक जा तू है ना रुक के जाना प्लीज आज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ा रही हूँ बायो नहीं आती मेरे को बायो क्या होता है मेरे को पता ही नहीं बायो क्या होता है आई हैव नो आइडिया वॉट इज बायो ना 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 नारे 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 ना हाँ अच्छा एक बच्चा मुझसे पूछ रहा मैम डाउट है पॉरीफेरा में दो डिफरेंट ओपनिंग्स हैं सो वी विल कॉल इट ब्लाइंड सेक्स बच्चे नो 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 ब्लाइंड सेक तब आप बोलते हो जब एक तरफ से आपका खाना गया पॉरीफेरा में ऐसा नहीं हो रहा पॉरीफेरा में क्या होता है ना कि आप पानी के भरोसे वो जो वाटर सिस्टम है ना आपका उसके भरोसे ही आपका खाना जा रहा है यू आर नॉट लाइक टेकिंग द फूड थ्रू वन ओपनिंग ऐसा नहीं हो रहा तो चारों तरफ से पानी आ रहा है ठीक है पानी चारों तरफ से हर जगह पोर 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 है हर तरफ से पानी आ रहा है आपका फिर उसके बाद जो क्वेनोसाइट है वो उस पानी को ले ले उसमें से फूड को उठा रहे हैं एंड देन वो पाकि का पानी निकल रहा है आपका ऐसा हो रहा है इसलिए उसको ब्ला, ब्लाइंड सेक नहीं बोल सकते ओके ठीक है हाँ चलो हाँ मैं ना अब सर्व गुण संपन्न टीचर बनने वाली हूँ जो केमिस्ट्री uh, भी पढ़ाएगी फिजिक्स भी पढ़ाएगी है ना वो होते ना वो जो हम सेशंस लगाते ना हम अरे लास्ट के दस दिन में पूरा सिलेबस एक दिन में फिजिक्स करवाऊंगी इलेवंथ uh, की एक दिन में ट्वेल्थ की एक दिन में केमिस्ट्री करवाऊंगी इलेवंथ की एक दिन में ट्वेल्थ की एक दिन में आपके इलेवंथ की बायो एक दिन में ट्वेल्थ की बायो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन देख लेना आप ओके <laughs> okay, चलो सो so, दीज आर सेल्फ बच्चे एच एच शेप्ड है चलो. अब इसका क्या ट्रिक है आशीष आस्ट फॉर विच साइकिल आशीष एक बच्चा यहां कोई आशीष है या नहीं है हाँ शेरों वाली माता बना दो तुम तो मुझे हाँ <laughs> ओके चलो अरे थैंक यू थैंक यू फॉरेंसिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेरी लेक्चर देख रहे हो क्या बात है थैंक यू थैंक यू सोरा ओके बच्चे आशीष है यहाँ पे कोई कोई आशीष है हाँ नहीं है चलो कोई बात नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं आशीष ने बोला कि आ, मैंने पूछा आशीष ने कौन सी साइकिल के लिए पूछा है तो आशीष से हो गया एस के हेलमिंथिस ठीक okay, so, है से हो गया बच्चे इज से हो गया वोचरेरिया एंड साइकिल से हो गया एन साइक्लोस्टोमा विच इज योर हुक वॉम विच इज योर हुक वॉम ओके चलो सो आशीष आस्ट फॉर विच साइकिल एस के हेन एसकैरिस एंड एन ठीक है जी okay, yes. And बच्चे इसका डायग्राम बड़ा ही जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है बताओ male कौन सा है 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 कौन सा कि अभी हमें देखने को मिला नॉट फॉर फर्स्ट टाइम लेकिन हमें देखने को मिला है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पहली बार मिला है ना पहली बार मिला है ना मुझे बताना देखो भाई ये क्या है ये है फीमेल फीमेल इज लॉन्ग एंड मेल कैसे पता चलता ये देख रहे हो इसकी जो क्या कहते हैं अह पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसे कॉइल्ड co है कर्व्ड है द पोस्टीरियर पार्ट इज कर्व्ड इन केस ऑफ मेल एंड इट इज शॉर्ट इट इज स्मॉल इट इज स्मॉल ठीक है हाँ चलो ओके okay जी बच्चे ये हो गया अब हम मूव ऑन करेंगे एनीलिडा पे नाउ विल we'll मूव ऑन टू एनीलिडा ये देख लो जरा किस-किस को इसको देख के ऐसी किची-किची होती है हां किची किची इज़ द वर्ड जो शायद मुझे लगता है हमारे मेरे घर में यूज़ होता है मेरे को ऐसा लगता है किची किची इज़ दैट फीलिंग की क्रीपी uh, सा लगता है ऐसा लगता है कि देख के लगता है कि तुम्हारे हाथ पे चढ़ गया तुम्हारे ऊपर चढ़ गया लगता है ऐसा कुछ मुझे लगता है मुझे लगता है इनको देख के कीड़े वीड़े देख के ना मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि बस किची किची हो गई है <laughs> तो किची किची किसको लगती है बताना मुझे ओके okay, चलो बच्चे एनिलीडा पे आते हैं एनिलीडा आर ट्रू सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर द ऑर्गैनिज्म बच्चे जहाँ पे आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अगर यहाँ पे मुझे लाइन ढूंढनी पड़ेगी इट इज बच्चे क्लोज ठीक है एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा लिजर्ड को देख के होती है अच्छा एक बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हुआ एंड दैट वॉज कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया क्लोज दैट वॉज एडवांस कैरेक्टर दैट वॉज एडवांस कैरेक्टर है ना था ना एडवांस कैरेक्टर था ना था ना था ना था ना हाना 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 ना ठीक है हाँ जी तो इट वॉज एडवांस कैरेक्टर बच्चे ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज क्लोज ओपन था इन केस ऑफ लीच लीच में ओपन था एनी anyway, देख रहे हो तुम कैसे सेगमेंटेशन है दिख रहा है ना ऊपर से दिख रहे, है ना, दिख रहे हैं बहुत क्लियरली तो सेगमेंटेशन बहुत क्लियरली यहां है बहुत ही तो क्लियरली बच्चे कैरेक्टर्स हैं लेट्स टेक अ लुक एट द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम आ जाओ ओके सेगमेंट्स है बच्चे हमने डिस्कस करा

आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है रेस्पिरेशन बच्चे बॉडी सरफेस से होता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट फॉर योर लीच ठीक है लीच में नहीं है क्लोज उसमें ओपन होता है ठीक है ओपन इन केस ऑफ लीच या फिर हिरुड एरिया अच्छा जी आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे दैट इज नेफ्रीडिया वो क्या है नेफ्रीडिया है ठीक है वो क्या है नेफ्रीडिया दिस इज इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके okay, अच्छा जी अब तुमसे पूछ लिया कि भाई पे नर्वस सिस्टम कैसा है नर्वस सिस्टम ड्रॉ करके बताऊंगी तुम्हें ठीक है ड्रॉ करके बताऊंगी जरा इसको ध्यान से सुनना नर्वस सिस्टम क्या है नर्वस सिस्टम बोला कि है कि पेयर्ड गैंग्लिया है विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड गैंगलिया क्या है देखो पेयर्ड गैंग्लिया एक गैंगलिया इधर है एक इधर है और वहीं से आपका नर्व कॉर्ड जा रहा है ठीक है तो आपका जो सर्क्यूलेटरी सर्क्यूलेटरी सॉरी नर्वस सिस्टम है इट इज याद रखिएगा बच्चे पेयर्ड गैंगलिया है विद डबल वेंट्रल नर्व कोड नर्व कोड कहां है वेंट्रल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉर्सल नहीं है वेंट्रल है यू आर टॉकिंग अबाउट इनवर्टिवरेट ओके जी सेंसरी ऑर्गन आई एंड टेंटिकल है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बच्चे मोनोशियस कॉन है डाइशियस कॉन है दिस इज एब्सल्यूटली इंपॉर्टेंट ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहां पे स्टार लगा रही हूं देखो पी वाई भी है ये है तुम्हारा स्टार लगा रही हूं मोनोशियस कौन है अर्थफॉर्म और लीच डाइशियस कौन है बच्चे नीरिस तो यहां पर भी सेक्शुअल डाइमोर्फिजम है कुछ में है कुछ में नहीं है कुछ में है कुछ में, है, कुछ में नहीं है ओके फर्स्ट मेटा मेरे सेगमेंटेशन वाले ऑर्गेजम विथ थ्रू सिलोम एक्जाम्पल्स क्या है मैम एग्जाम्पल कैसे याद रखें मैम प्लीज मैम प्लेज हेल्प करिएगा ना मैम प्लिज एनी एनी लीडर के एग्जाम्पल देख लो बच्चे एनी ने हेरा फेरी की एनी थोड़ा गड़बड़ कर रही है बच्चे एनी कर रही है हेरा फेरी ठीक है एनी ने हेरा फेरी की एनी स्टैंड फॉर एनी लीडा ने इज फॉर नीरिस विच इज इक्वेटिक फॉर्म पेरापोडिया जहां थे हेरा इज फॉर हेरूडीनेरिया विच इज लीच एंड फेरी इज फॉर फेरेटीमा विच इज अर्थ क्या ये याद होगा क्या ये याद होगा मजा आ रहा है मजा आ रहा है आर वी रिवाइजिंग एवरीथिंग बच्चे फटाफट से बताइए आर वी रिवाइजिंग एवरीथिंग विद सुपर ट्रिक्स क्या रिवीजन हो रहा है क्या याद हो रहा है हाँ जी हाँ या ना याना हाँ या ना देखो मेरे को तुम्हारा साथ तो चाहिए यार ऐसे नहीं चलेगा ठीक है ऐसे नहीं चलेगा यस यस हु इज वेरी 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 एंजॉयिंग द सेशन वेरी मच एंजॉयिंग द सेशन ठीक है चलो ये ये चलो आ जाओ आ जाओ सुपर सेशन गोइंग अच्छा चलो अब हम बात करेंगे ये देखो देख रहे हो तुम डायग्राम बना बना के लाई हूं तुम्हारे लिए देख रहे हो तुम मतलब देख लो अच्छा चलो अब बच्चे हम जाएंगे किस पे सिलेंट्रेटा वगैरह तो हो गया आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट लार्जेस्ट आपका फाइलम पे अब हम पहुंच चुके हैं विच इज आर्थ्रोपोडा जिसको बोलते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिस इज बच्चे लार्जेस्ट ये क्या है लार्जेस्ट तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन है अगर ये लार्जेस्ट है तो बच्चे सेकेंड लार्जेस्ट कौन है विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट ये है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इसलिए मैं बता रही हूँ तुम्हें तो मस्ती के लिए नहीं बता रही हूँ चलो इनको एक और इन्फॉर्मेशन इनके दिमाग में डाल देती हूँ नहीं ऐसा नहीं है डिवाइडेड है Head, ये तो हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे जब कॉकरोच करेंगे ठीक है जब रोच राजा को हम सेशन लगाएंगे तब ज्वाइंटेड हैं बच्चे एंड स्केलेटन एक्सो किस चीज का बना हुआ है काइटिन का क्यूटिकल का ठीक है इसका बना हुआ है एंड ये किस फॉर्म में अरेंज होता है दिस इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सम स्मॉल स्मॉल प्लेट जो कि जब मैं कॉकरोच कराऊंगी तुम्हें तो समझाऊंगी जिनको हम बोलते हैं बच्चे स्क्लेराइट्स इन प्लेट्स को क्या बोला जाता है स्क्लेराइट्स बोला जाता है दीज आर नोन एज स्क्लराइट ठीक है दी ज्यादा प्लेट जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगी आपका एक्जो स्केलेटन बनाती है है ना और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे एक डाइसिस भी होता है एक डाइसिस क्या है जब कॉकरोच जब तुम जब मम्मी ने हमारा चार पांच साल पहले एक स्वेटर बनाया होगा है ना वो अब हमें नहीं आता क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो मम्मी क्या करती हैं मम्मी एक नया स्वेटर बनाती है हमारे लिए तो वैसे ही बच्चे कॉकरोच के केस में भी होता है या इंसेक्ट के केस में भी होता है एग्जोस्केल्टन जब आप बड़े हो जाते हो जब कॉकरोच बड़ा होगा तो मोल्टिंग होती रहती है और कॉकरोच में तो तेरह बार मोल्टिंग होती है तो मोल्टिंग क्या है मोल्टिंग इज वॉट एक डाइसिस है मोल्टिंग का एक फैंसी नेम समझ लो तुम फैंसी नेम इज एक डाई सिस ठीक है जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना बिल्कुल 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 चलो बच्चे इसमें क्या क्या है गिल्स है बुक गिल्स है ट्रेकिंग सिस्टम है बुक लंग्स है लेकिन ये किस किस में होता है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ विल राइट अबाउट इट है न uh, कि uh, चलो अलग से लिखू क्या इसको इसको अलग से लिख देती हूँ यहां पर लिख देती हूँ इसको मैं यहां लिख देती हूँ कहाँ है हमारा यहां लिख रही हूँ बच्चों में इसको ठीक है ये नोट्स आपको मिलेंगे मैं इधर लिख रही हूँ तो रेस्पिरेशन मोस्टली गिल्स गिल्स से हो रहा है या उधर जगह है तो उधर ही लिख दू क्या अगर जगह है तो थोड़ी सी जगह लग रही है चलो ट्रेकिर सिस्टम किस में आ जाएगा इंसेक्ट्स में आ जाएगा इंसेक्ट्स में आ जाएगा ठीक है अच्छा बच्चे बुक गिल्स किस में आएंगे बुक गिल्स बुक गिल्स किस में आएंगे किंग क्रैब में आ जाएंगे किंग क्रैब में आ जाएंगे किंग क्रैब में आ जाएंगे बुक लंग्स किस में आएंगे बच्चे स्कॉर्पियन में ठीक है बिच्छू बिच्छू बूटी होती है ना एक बिच्छू बूटी भी होती है एक एक होता है बिच्छू एक होती है बिच्छू बूटी ठीक है हिमाचली लोगों को पता होगा बिच्छू बूटी बड़ी खतरनाक है है ना चलो ओके बच्चे के लिए हाँ ये हम में भी पढ़ेंगे। यहां पे भी पढ़ेंगे, पे बच्चे बच्चे आपका डबल वेंट्रल है, वेंट्रल है, ओके, आई बच्चे, आपकी कंपाउंड हो सकती है यू कैन सिंपल आई का क्या फंक्शन होता है सिंपल आई का फंक्शन होता है लाइट को परसीव करना बस कंपाउंड आई का फंक्शन होता है विजन विजन देखने का काम है बच्चे कंपाउंड आई का लाइट को परसीव करने का काम है सिंपल आईगा कॉकरोच में पढ़ेंगे हम कॉकरोच में एंटीना है ठीक है ढूंढने के लिए खाना कहाँ है किधर है एंटीना है उसके लिए स्टेटोसिस्ट होता है बच्चों बैलेंस बनाने के लिए मोस्टली दे आर डायशिस्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कॉकरोच के केस में याद रखे ना इंटरनल ही होता है एंड देखो कॉकरोच में भी इंडायरेक्ट होता है लेकिन डायरेक्ट भी हो सकता है इन दिस केस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो सारे के सारे इधर हम देखें इंसेक्ट तो एपीसी इसका मेरे को कोई ट्रिक बना नहीं तो इसलिए मैं नहीं बना पाई ठीक है इसमें बड़े सारे थे बच्चे ओके <laughs> okay, हाँ तो ये मैं नहीं बना पाई कितना डरावना चैप्टर है hey, भगवान तानिया पिटाई चलो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट अगर देखें हम तो कौन से बच्चे हनी भी जो होती है एपिस बॉम्बिक्स जो होता है आपका सिल्क वॉम जिससे हम सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं ना वो वो वाली हाँ तुम्हारी तो मम्मी के पास होगी ना उनको बताना कि इसके लिए बहुत सारे जो सिल्क वॉम हैं उन्होंने क्या बोले दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ क्या बोले सर्कल ऑफ लाइफ है है ना सिल्क तो चाहिए लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे तो इसलिए सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं है ना जी चलो लेसिफर लेसिफर इज योर लैक इंसेक्ट हम लेते हैं बट पता है एक बात बताऊं तुम्हें आई रेड इट समवेयर कि जो आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज राइट और मुझे नहीं पता कि कितना सही था बट आई रेड समवेयर कि जो सिल्क वॉर्म होता है ना बच्चे जो सिल्क वॉर्म होता है ना वो अगर आप उसको यूज कर रहे हो ना ऑब्वियसली टू मेक सिल्क आउट ऑफ इट तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो उसकी लाइफ ना इतनी ही होती है वो उससे आगे बढ़ता ही नहीं है सो समवन वॉज एक्सप्लेनिंग की दैट इज ओके कि हम उससे सिल्क बना रहे हैं दैट इज ओके क्योंकि उसके लाइफ का पर्पज लाइक like, उसका लाइफ उतना ही होता है उससे आगे वो बढ़ता ही नहीं है सो so, ठीक है

देयर इज नो एस्केप कोई एस्केप नहीं है यार इस चैप्टर का रोना नहीं है रोना क्यों है रोना क्यों है मैं मैं ट्राई कर रही हूं ना पूरा कि आपको इजी वे में करवा दू इन्हें तो क्यों रो रहे हो कोई जरूरत नहीं बच्चे रोते रोते ऐसे तो ना हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते रोना नहीं है हंसते हंसते कट जाए रस्ते रोना नहीं है यहां पे तुम्हें चलो आगे आ जाओ आ जाओ आ चलो, चलो, चलो। तो है मुलस्का। मुलस्का के बारे में में। बच्चे जानने से पहले पहले हम तुम्हें एक डायग्राम दिखाएंगे का। This is the मुलस्का। मुलस्का का आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। तीन पार्ट्स फुट बना दिया है तुम्हारे लिए डायग्राम बना के लाए हैं पूरा प्रॉपर ओके तो और तुम्हें दिख रहा है पे टेंटिकल्स भी हैं, भी हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ टेंटिकल्स भी हैं। अब अब एक बात समझो ये जो विसरल हम्प है ना इसके ऊपर भी आपको एक लेयर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं मेंटल ठीक है ये वाला मेंटल नहीं ये वाला मेंटल नहीं मेंटल ये वाला मेंटल जिसके ऊपर है ठीक है चलो ये जो मेंटल है ना बच्चे यही शेल बनाता है किसी केस में शेल होती है किसी केस में शेल नहीं होती कहीं-कहीं कहीं-कहीं कहीं कहीं पे 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 होती 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 है कहीं, कहीं पे शेल नहीं होती है। है है। है नहीं नहीं तो तो होगी यही करेगा। इतने में में जाएंगे। अब ये जो बीच में cavity न, जो बीच बनी ना वाला दिख रहा है और मेंटल जो आपको पिंक वाला दिख रहा है उसके बीच में कुछ स्पेस बन रहा है ना कैविटी बन रही है उसको हम बोलते हैं है? इसी मेंटल कैविटी में आपको दिखेंगे जो है गिल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसमें बच्चे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इसमें ये बात याद रखिए बच्चे चाकू होता है ना सॉर्ट ऑफ ऐसे नाइफ होता है, नाइफ कैसे दांत से होते हैं इस तरह का इनके पास एक ऑर्गन होता है ठीक हाँ, है हाँ रेस्पिंग ऑर्गन होते जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला क्या बोला जाता है रेड्यूला दिस इज नोन एज रेड्यूला किस लिए होता है ये यूज कैप्चर करने के लिए फीड करने के लिए यूज होता है ठीक है फीड करने के लिए यूज होता है तो देखो मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया एनसीआरटी में दिया इसका डायग्राम नहीं दिया <laughs> चलो आ जाओ तो हम कहाँ तक पहुंचे uh, मुलास्का का भी डायग्राम नहीं दिया एन टी में बट हमने देख लिया सिर्फ शेल वाला दिया हुआ है ऐसे शेल्स ही बनाई हुई है बट वी हैव डन एवरीथिंग अब बच्चे इसका ट्रिक इसकी ट्रिक देख लो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है इसकी पाइला पिंक एप्पल लो दांत से ठीक है हम पाइला को बोल रहे हैं पाइला को बोल रहे हैं पाइला तुम ना पिंक एप्पल एप्पल ले लो अपने दांत से चबाओ और उसको और कब तक चबाना है सितंबर अक्टूबर में चबाना है ठीक है चलो <laughs> चलो पाइला पिंक एप्पल लो दांत से और उसको चबाओ कब तक चबाना है सेप्टेंबर अक्टूबर में चबाना है तो पाइला से बच्चे पाइला हो गया विच इज योर एप्पल स्नेल पिंक से बच्चे पिंक टाडा हो गया विच इज योर पर्ल ओस्टर एप्पल से बच्चे हो गया इज योर सी हेयर लो से बच्चे लॉलीगो हो गया विच इज योर दांत से बच्चे क्या हो गया डेंटेलियम विच इज योर टस्क शेल चबाव से हो गया कीटोफ्लूरा विच इज योर काइटॉन सेप्टेंबर से हो गया बच्चे सीपिया विच इज योर कटल फिश एंड अक्टूबर में हो गया तुम्हारा बताओ बताओ, बोलो, बोलो, बोलेगा बोलेगा ठीक है ओके okay, चलो बच्चे ऐसे ना यार टेंशन में नहीं रहना हंसते 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 करना है अपना सेशन पूरा नो स्ट्रेस नथिंग मैंने तुम्हें एक, एक दिन और बोला था ना कि यार परेशान तो अब देखो मैं अपनी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती आई एम ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रेस्ड है ना मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ लाइफ में लेकिन ये जब मैं तुम्हारे साथ आती हूँ ये काम मतलब आ, मैं सेशन लेती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से खुशी मिलती है उस टाइम पे मेरे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं आई वांट कि आपके साथ भी यही हो ठीक है आई वांट कि आपके साथ भी यही हो आई रियली होप कि जब आप मेरे सेशन में आते हो तो आपको भी ऐसे ही फील होता हो कि हैप्पी हॉर्मोन्स आपके निकलते हो है ना यस yes. फिर पता क्या है फिर आप बड़े मोटिवेटेड रहते हो फिर आपको अच्छा लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा सब बढ़िया हो जाएगा और एक और बात बोलो कि जो भी भगवान ने सोचा है ना वो भी बहुत अच्छा सोचा है यू हैव नो आइडिया आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें अमेजिंग चीजें अभी आप सिर्फ एक चीज़ के लिए सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा होगा नेचुरल सी बात है ठीक है नेचुरल सी बात है वो भी लेकिन आ, <laughs> लेकिन बच्चे भगवान ने भी जो सोचा ना वो बहुत अच्छा होगा ओके okay? बहुत अच्छा होने वाला है तो इसलिए सिर्फ मेहनत करते जाओ आपका काम सिर्फ मेहनत करना है यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड राइट ओके जी, चलिए बच्चा लोग तो so, याद हो जा याद होगा इसका ओके <laughs> okay, चलो यस यस एनसीआर इज इनफ फॉर नॉट ओनली दिस चैप्टर फॉर ऑल द चैप्टर्स ओके चलो अच्छो, अच्छा 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अरे बचवा 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 तो बच्चे हम कहा थे वी टॉकिंग अबाउट वॉकिंगलस्का ठीक है मुलास्का की बात कर रहे थे तो ये हमने देखा कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है स्किन का जिसको हमने बोला मेंटल किसके ऊपर होता है फिस्टल हम के ऊपर होता है स्पेस बिटवीन दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी और हमने इन सब के एग्जाम्पल्स भी देख लिए आ जाओ अब इकाइनो डरमेटा पे ठीक है अब बात करेंगे इकाइनो डरमेटा जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जिनको दे आर ऑल्सो नोन एज स्पाइडी एम सो सॉरी राजमा चावल कबर पा गया दे आर ऑल्सो नोने स्पाइनी बॉडीड अच्छा यार अब ना मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है आई एम गोइंग टू सिट नाउ रुको ओके okay. चलिएगा चलिएगा ज़रा मैं खुद को छोटू कर दूँ फिर तुम मुझे बोलोगे मैम रोने भी तो लग जाते हो यार तुम बहुत जल्दी है ना आ जाओ ओके okay, बच्चे ठीक है इनके पास क्या होता है इनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम दे हैव बेसिकली दे हैव ट्यूब फीड्स ठीक है ट्यूब फीड्स के थ्रू बच्चे आपकी बड़ी अलग अलग कैनाल जाती हैं यू हैव रेडियल कैनाल यू हैव स्टोन कैनाल यू हैव सेंट्रल कैनाल वो सारा का सारा एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम बना होता है ठीक है एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम बना होता है बच्चे एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या काम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन लोको मोशन वेरी इंपॉर्टेंट यही पे यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा इसी पे क्वेश्चन बनेगा इसी पे क्वेश्चन बनेगा

आ जाओ देखते हैं के के क्या देख जरा, आ जाओ। बच्चे A, B, C, D, e. मैं तुम्हें A, B, C, D नहीं सिखा रही हूं इट इज ए बी सी डी ई ए से बच्चे क्या है एसटीरिया ठीक है स्टार फिश बी से क्या है ब्रिटल स्पार स्टार ऑफियोरा ठीक है एंड देन सी से क्या है क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर डी से क्या है बच्चे क्चुअली डॉन का डी बनाया हुआ है एंटेडॉन विच इज सी लीली एंड ई से इकाइनस विच इज सी और याद होगा क्या याद होगा हायाना बोलो बोलो हाया ठीक है तो ए बी सी डी ई इज योर इकाइनो डरमेटा इज योर इकाइनो डरमेटा आ जाओ भाई अब आगे चले आ जाओ देखो इकाइनो डरमेटा अब हेमिकॉडेटा पे पहुंच चुके हैं हम हेमिकॉडेटा पे पहुंच चुके हैं हम वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? चा फिर से ये लो बच्चे ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं आपको ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे डॉक्टर कारगी सिंह जाओ ज्वाइन करो और आज ही ये नोट्स मिल जाएंगे एस्टेरियाज ब्रिटल स्टार क्यूक्यूमेरिया एंटेडॉन डी वाला डॉन एंड इकाइनस इसे इकाइनस चल आ जाओ हेमिकॉर मूविंग ऑन टू अच्छा हेमिकॉर के लिए हमें इसका फोटो देखना पड़ेगा दिस इज हमेटा बच्चे में में आपका जो बॉडी है, that is divided into three parts, है ना? जैसे कि proboscis, collar and trunk, तीन में मैंने डिवाइड कर दिया हेमिकॉर्डेटा मतलब हाफ कॉर्डेट ठीक है दीज आर लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा ओके जी कॉर्डेटा एंड नॉन कॉडेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है और यहां पे देखो स्टोमो कॉड भी दिया हुआ है, मैं बताऊंगी एक्जैक्टली exactly कहां होता है जरूर ये देखो जैसे ये है प्रोबोसिस प्रोबोसिस किस ऑर्गन विच इज गोइंग टू बी यूज फॉर फॉर एक्सक्रीशन प्रोबोसिस में बच्चे आपका क्या है यहां पे आपका यहां लिखा है या नहीं लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखा है ना हाँ ये रहा यहां पे आपका क्या होगा यहीं पे आपका होगा बच्चे मुझे चाहिए मोटा पेन प्रोबोसिस ग्लैंड ट फॉर एक्सक्रीशन विच इज में एक्सक्रीशन तो ये वाला जो पार्ट है इसमें तो आ गया तुम्हारा एक्सक्रीशन का जुगाड़ गया अबर यह देख रहे हो यहां पर आपको ये दिख रहे हैं कॉलर में यहां पर आपको इस तरह के ठीक है सॉट ऐसा लगता है कि पहले क्या लगता था हमें यही नोटोकॉड है बट दिस इज नॉट ये होते हैं तुम्हारा स्टोमो कॉड ये क्या स्टोमो कॉड है दिस इज नॉट दिस इज़ स्टोमो का मतलब लिटल 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 नोटोकॉर्ड नोटो कॉड दिस इज नॉट नोटोकॉर्ड क्यों मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो क्योंकि बच्चे दिस इज द आउट ग्रोथ ऑफ बकल कैविटी ये बकल कैविटी का आउट ग्रोथ है ये आपका नोटोकॉर्ड नहीं है ये क्या है आउट ग्रोथ ऑफ बकल कैविटी दैट इज वाई इट इज नॉट नोटोकॉड ठीक है और यहाँ क्या है? ये, 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 ये जो दिख है यहाँ पे आपको मिलेंगे आपका ट्रंक दिस इज द ट्रंक एंड ट्रंक के अंदर ही आपको एब डोमिनल रीजन दिखता है एब डॉमिनल रीजन यहीं पर मिलेगा आपको एंड एट द एंड इज द एनर्स तो ये है एनस दिस इज योर बिलानोग्लॉसिस ठीक है ये क्या है तुम्हारा बिलानोग्लॉसिस जिसको हम टंग वॉम भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज टंग वॉम क्या बोलते हैं इसको टंग वॉम जो तुम्हारी जवान कैची की तरह चलती रहती है वही है ये ठीक है चल वही है ये आ जाओ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें यही है बच्चे इसमें क्वेश्चन यहीं से आएगा दे आर वॉम लाइक ठीक है ऑर्गन वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम पहले कर चुके हैं तो अभी उसको यहाँ पे फिर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ओपन है रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू है डेवलपमेंट बच्चे इनडायरेक्ट है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल सेक्सेस सेपरेट है तो यहाँ पे भी मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं देखो जैसे कि प्रोबोसिस है कॉलर टर्ंक ठीक है इसमें डिवाइड करा हुआ है गिल्स हैं रेस्पिरेशन के लिए कोई एक्जोस्केलेटन एंडोस्केलेटन नहीं है प्रोबोसिस ग्लैंड है फॉर एक्सक्रीशन एंड एक्सटर्नल है आपका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट ठीक है चलो यूनिक कैरेक्टर क्या है यहां पे होता है अब इसका एग्जाम्पल क्या है सैको एंड बिलानो इसको कैसे याद रखेंगे बड़ा अच्छा सा एक ट्रिक मैंने बनाया है इसका हेमा बोलो सच झूठ मत बोलो हेमा सच बोलो तो हेमा से हो गया हेमिक्डेटा बोलो से हो गया सच से हो गया सैको सच से क्या हो गया बच्चे हो गया ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चे एक बार आपको खुद से ये नोट्स लेके इनको रिवाइज करना पड़ेगा मेरे साथ क्या तुरंत 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 रिविजन हो गया ठीक है ट्रंक में क्या बच्चे ट्रंक में एब्डोमिनल रीजन है ना ट्रंक में आपका एब्डोमिनल रीजन है ठीक है मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं देखो प्लांट किंगडम से पांच क्वेश्चन आ सकते हैं चार से पांच एनिमल किंगडम से तीन से चार आ सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी तीन से चार आ सकते हैं तो ये अच्छे खासे तुम्हारे वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ठीक है चलो आ जाइएगा जी हम आ गए हैं अब कॉर डेटा बच्चे नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कॉर डेटा कॉरडेटा के क्या कैरेक्टर्स है? है, हैं ट्रिप्लोब्लास्ट सारे एडवांस कैरेक्टर्स इनके हैं बाइोलेट्रल uh, सिमेट्री है है ऑर्गन सिस्टम है क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम है दिस इज द दिलियंट फीचर जो आपकी किताबें भी दिया हुआ है वही मैंने यहां पे टेप दिया है ठीक है ये ये वाला ये वाला वही है इनके पास प्रेजेंट है कॉर्डेट्स के के पास के पास नॉन कॉर्डेट नहीं होता ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ठीक है ये बड़ा ही जरूरी टेबल है बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या है डॉर्सल है हॉलो है यहां क्या है बच्चे वेंट्रल था बार बार बता रही थी वेंट्रल था सॉलिड है एंड डबल है यू हैव सिंगल दे हैव डबल फेरिंग्स बच्चे क्या है फेरिंग्स आपका परफोरेटेड है गिल गिलेट से यहां पे गिल स्लिट्स एबसेंट होते हैं ठीक है हार्ट आपका वेंट्रल है बच्चे वेंट्रल है कॉकरोच के केस में तुम पढ़ोगे डॉर्सल है आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस ठीक है मैं बस आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ पोस्ट एनल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट कहाँ है वो डायग्राम ये रहा वो महान डायग्राम जिसके ऊपर बच्चे बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरे एक मिनट यार मुझे मेरा सप्लीमेंट लेने दो सप्लीमेंट टाइम supplement टाइम उड़ाते पढ़ाते मैं भूल जाती हूँ और ये मुझे ना कुछ तीन बजे ले लेना चाहिए मैं हमेशा भूल जाती हूँ हमेशा ठीक है चलो येस yes, बच्चे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम अब इस डायग्राम क्यों आप मैम इसको इम्पोर्टेंट बोल रहे हो क्योंकि बच्चे इस डायग्राम पे ना क्वेश्चन पूछेगा ये हटा दिया ये हटा दिया ये हटा दिया और ये हटा दिया फिर तुम्हें पूछेंगे बताओ क्या 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 है कौन सी चीज़ क्या है हाँ पहचान कौन जिसको मैं बोलती हूँ पहचान कौन वाले क्वेश्चन uh, आ जाएंगे देखो दिस इज द नर्व कॉड ठीक है ये रहा नर्व कॉड बच्चे ये रहा नर्व कॉर्ड एंड दिस इज द कॉर्ड अब क्वेश्चन पूछे नोट ओ कॉर्ड का क्या आपका ओरिजिन होता है दिस इज मीजो दिस इज मीज ओ इन ओरिजिन मीज ओ इन ओरिजिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल और यहाँ क्या है पोस्ट एनल पार्ट है गिल गिल्सलिप्स भी प्रेजेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ और गिल गिल्सलिट्स कैसे बच्चे पेयर्ड है कैसे हैं पेयर्ड है, Paired है. एक पेयर आपको इस तरफ दिख रहा है दूसरा दूसरी तरफ होगा ऑब्वियसली ऐसे ना एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है तो दो हैं ठीक है यस है दो हैं दो हैं आ जाओ ये हो होगी सारी डिफरेंसेस हमने देख लिया बच्चे अब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल डिवाइड डिवाइड हम को इन टू एक बड़ा अच्छा माइंड मैप दिया हुआ है तुम्हारी किताब में बड़ा ही अच्छा माइंड मैप दिया है तो कॉडेटा ये तो वर्टिटा आ गया कॉडेटा को डिवाइड करना था डेटा को मैं खुद से डिवाइड करती हूँ चलो फिर ये रहा चलो ये वाला क्लासिफिकेशन यूज कर लेते हैं सो so, कॉडेटा को हमने डिवाइड करा यूरो एंड टीव में ठीक है एक्चुअली इसको अगर मैं ठीक से डिवाइड करूँ ना यहां पे मैं डिवाइड करके तुम्हें लिख देती हूँ बता देती हूँ अगर मैं कॉडेटा को डिवाइड कर रही हूँ ना बच्चे कॉडेटा ठीक है कॉडेटा को अगर मैं डिवाइड आई कैन डिवाइड दिस हूँ टू दो में मैं इनको डिवाइड कर सकती हूँ मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको सब ग्रुप है ये जिसमें मैं डिवाइड कर रही हूँ ठीक है सब ग्रुप कौन सा होता है बच्चे ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा ठीक है भाई जिनके पास ब्रेन बॉक्स है जिनके पास नहीं है ठीक है जी चलो क्रेनिएटा एक्रेनिएटर नहीं है क्रेनिएटा के पास होगा इसी को फर्दर डिवीजन करा हुआ है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ठीक है यूरो डेटा एंड सी फैलो सी फैलो कॉरडेटा ठीक है जी इसमें हमने फर्दर ये division. और इसमें बच्चे क्या आ जाएंगे वर्टिब्रेटा यहां आपका आ जाता है वर्टिब्रेटा उसको हम देखेंगे थोड़ी देर में उसको हम अलग से करेंगे ठीक है उसको हम अलग से करेंगे ठीक है जी ओके मैम फ्लेजिलेटेड एक्टोकार्पस होगा या फिर स्पाइर बच्चे फ्लैजिलटेड एक्टोकार्पस ही होगा स्पाइरो में तो नॉन मोटाइल होते हैं ना गैमीट्स द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल इन दैट इज करेक्ट इट इज एक्टो कार्पस ओनली इट इज एक्टो कार्पस ओनली आ जाओ अब हमने इसको डिवाइड कर दिया ठीक है तो यूरो यूरोडेटा आ गया सिफेलो कॉडेटा गया वर्टिब्रेटा को हम बाद में देखेंगे अभी हम इसकी बात करते हैं यूरो एंड यूरोडेटाडेटा आपके प्रोटो प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं ये जो मैंने यहां पे डाला ना एक क्रेनिएटा दिस इज योर प्रोटो दिस इज योर प्रोटो कॉरडेटा एंड बच्चे ये जो क्रेनिटा है दिस इज योर यू कॉर्डेटा इसको हम बोलते हैं यू कॉर्डेटा दिस इज नोन एज यू कॉर्डेटा ठीक है चलो अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉडेटा की ओके हा प्रोटोकॉर्डेटा की बच्चे सिमरन नॉन मोटाइल गैमेट्स आपको स्पाइरोगेरा में मिलते हैं एक्टोकार्पस में नहीं मिलते एक्टोकार्पस के मोटाइल होते हैं ओके okay? चल आ जाओ नाउ यूरोडेटा में आपका क्या गया यूरोडेटा इज ऑल्सो नोन एज योर जूनिकेटा ठीक है बच्चे यूरोडेटा यूरो मीन टेल सिफेलो कॉडेटा मतलब सर से लेकर पाओ तक यूरो मींस टेल यहाँ पे सिर्फ टेल में होती है नोटोकॉड कहाँ प्रेजेंट है ओनली इन द लार्वल टेल ओनली इन द लार्वल टेल इज योर क्वेश्चन अब किसी के पास अगर सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में ही नोटोकॉड होगी तो वो सैड नहीं होगा क्या हाँ या ना क्या वो सैड नहीं होगा बोलो हाँ या ना. बोलो वो परेशान होगा ना वो परेशान होगा ना अगर किसी की सिर्फ पूछ में ही रह गई भाई लारवा की पूछ में रह गई बाकी आगे मिले ही नहीं तो बच्चे वो परेशान होगा सैड होगा सैड होगा ना तो इसका ट्रिक भी सैड है एस ए डी सैड ये हो गया सैड एस ए डी तो एस से सैल्पा ए से एसीडिया एंड डी से डोलियोलम डी से डोलियोलम अब बच्चे सिफेलो में आपकी कहाँ तक कहाँ तक रहती है सर से लेकर पाओं तक रहती है हेड टू टेल रहती है पूरी लाइफ रहती है तो ये खुश है ये खुश है इसका एग्जाम्पल क्या है ब्रांकियोस्टोमा या फिर एम्पीऑक्सिस या फिर लेंसिलेट इसको बोला जाता है और डायग्राम बड़ा ही जरूरी है ये रहा ये है तुम्हारा एसीडिया ये क्या है दिस इज योर एसीडिया ठीक है डायग्राम ऑल द डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग ऑन टू वर्टी ठीक है जी आ जाओ अब वर्टी पे आ जाते हैं ओके ओके

ठीक है बच्चे तो आपका जो ग्नेथा है उसमें जो जीवित है यहां पे एक्सटिंक्ट भी होती थी उसकी बात हम नहीं करेंगे जो जीवित है वो है साइक्लोस्टोमैटा जो क्लास जीवित है वो है साइक्लोस्टोमैटा ठीक है हाँ फोर थर्टी पे भी उससे पहले हम खत्म कर देंगे देन बच्चे ग्नेथोस्टोमैटा सुपर क्लास आपके पास है पाइसिस एंड टेट्रापोडा ठीक है पाइसिस के पास फिंस होते हैं तुम्हारे पास लिम्स होते हैं ज में आप दो क्लास पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस यहाँ पे आप चार क्लासेस पढ़ेंगे जिसका सबको पता है सब बच्चे का एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स एंड मैमल्स चार क्लासेस पढ़ेंगे नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद डिस्क्रिप्शन डिटेल में तो एक दो चीजें बताती हूँ यहां पर जो है बच्चे यहाँ पे नहीं है ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहां पर ना जो फिन्स होते हैं जो फिन्स हैं या लिम्स हैं जो लिम्स हैं या फिर फिन्स अनपेयर्ड है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे हैं अनपेयर्ड है ठीक है अन हैं कैसे हैं बच्चे अनपेयर्ड है यहां पे पेयर्ड होते हैं प्लीज रिमेंबर दिस तो इधर पेयर्ड है ये याद रखना ये एक डिफरेंस है जो जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब हम बात करें साइक्लोस्टोमा की आ जाओ आ जाओ हम बात करेंगे साइक्टा की पूरा का पूरा सारे के सारे कैरेक्टर यहां लिख लें अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हाईलाइट करती जाऊंगी हैबिटेट क्या है मरीन है तुम्हारा ठीक एक्टो पैरासाइट होते हैं फिशेज के ऊपर चिपके रहते हैं उनको उनका न्यूट्रिशन लेते हैं पैरासाइट्स हैं अब ये क्या है ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते तो दे आर पोए किलोथर्म्स ठीक है स्केल्स प्रेजेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्टिलेजिनस है इनका एंडोस्केलेटन ठीक है इनका एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस बोनी नहीं है अनपेड फिंड लिखवा चुकी हूं डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे कैसा है विदाउट जॉज है ये हम पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है छह से पंद्रह पेयर ऑफ गिल्सलिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है किडनीज होती हैं चलो ठीक है ये तो अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चे ये माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग मतलब बच्चे पैदा करने के लिए ठीक है रिप्रोडक्शन के लिए चले जाते हैं इस तरह का जो माइग्रेशन होता है उसको क्या बोला जाता है इस तरह के माइग्रेशन को बच्चे क्या बोलते हैं एनाड्रामस इसको बोला जाता है ड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन ठीक है क्या बोला जाता है एनाड्रामस टाइप ऑफ माइग्रेशन मैम इन कॉडेट्स नोटो कॉड इज रिप्लेस बाई वर्टिब्र कॉलम नहीं बच्चे इन वर्टिब्रेटा ठीक है नॉट ऑल द कॉडेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स है ना ये कहा होगा बच्चे ये होता है वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन पूछा फैक्ट्स टू नो ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा लेकिन अभी मैं वर्टिब्रेटा आई नहीं जो मैं आपको ये बताती वर्टिब्रेटा में बच्चे नो टू कॉड इज रिप्लेस बाई वर्टिब्रल कॉलम ठीक है सारे कॉडेट्स में नहीं होता सारे कॉडेट्स में नहीं होता ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वेरी गुड वेरी गुड इस तरह के क्वेश्चन देखो नॉलेज वाले है ना गुड 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 चल डेवलपमेंट बच्चे इनडायरेक्ट है आर इंपॉर्टेंट इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास क्योंकि दो ही थे एंड पेट्रोमाइजोन ये तुम्हें अपने आप ही याद करने पड़ेंगे <laughs> इनका दुख तुम्हें खुद ही झेलना पड़ेगा मैंने तुम्हें काफी सारी ट्रिक्स दे दिए ओके चलो अब बच्चे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ना चलो जी अब आ जाएंगे हम कॉन्डेक्टिस एंड पे ठीक है आपकी फिश दो तरह की है एक तो बच्चे होंगे जिसका एंडोस्केलेटन होगा कार्टिलेजिनस सी से कार्टिलेजिनस सी से कॉन्ड्रिक्थिस जिनका होगा बोनी वो हो जाएंगी आपकी ऑस्टिक्थिस अब इनमें से क्वेश्चन कहां से आते हैं इनमें से क्वेश्चन कुछ तीन चार चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ड्रिक्थिस आपकी मेरीन होती है मोस्टली और ये दोनों हो सकती हैं अच्छा ठीक है ओके okay. ये बच्चे प्रिडेशियस होती हैं ये आपकी जरूरी नहीं है कि प्रिडेशियस यहां पे भी आप टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकते तो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कि यहां पे जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है वो कैसा है कार्टिलेजिनस है बच्चे कार्टिलेजिनस है। और इसके बाद आप चाहे रेप्टीलिया पढ़ोगे मैमल्स पढ़ोगे बर्ड्स पढ़ोगे कुछ भी पढ़ोगे सबके पास क्या है बोनी ठीक है ऑल ऑफ देम एंडोस्केलेटन वेरी इंपॉर्टेंट अब एक और कैरेक्टर जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इनका माउथ होता है बच्चे वेंट्रल मैम वेंट्रल माउथ से क्या मतलब है वेंट्रल माउथ से मतलब है बच्चे देखो मैं यहाँ पे शार्क बनाने वाली हूँ अब मैं अपनी तरफ से शार्क बनाने वाली हूं भगवान अब देखो कैसी बनेगी मुझे नहीं पता लाइक दिस ठीक है ऐसे कुछ है एंड वेंट्रल माउथ का मतलब होता है कि ऐसे है माउथ बना दी शार्क लग रही है शार्क या नहीं लग रही क्यूट सी शार्क लग रही है यस सो द माउथ इज वेंट्रल वेंट्रल है और वहां पे माउथ होता है टर्मिनल टर्मिनल माउथ कैसा होगा मैम टर्मिनल माउथ होगा ऐसा और फिंस पे भी ध्यान देना मैं फिंस कैसे बना रही हूं देखो इस केस में माउथ है टर्मिनल और फिंस कैसे हैं बच्चे दोनों एक जैसे हैं यहां पे कैसे हैं यहां पे फिंस क्या एक जैसे हैं नहीं एक अलग सा दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है वॉट इज दिस नोन एज वॉट इज दिस नोन एज इसको क्या बोला जाता है <coughs> इसको क्या बोला जाता है बच्चे जब आपके फिन देख रहे हो हेटरो सर्कल बोला जाता है दिस इज हेटरो सर्कल टाइप ऑफ कंडीशन हेटरो सर्कल ये होमो हो जाएगा तुम्हारी एनसीआरटी में ये वर्ड दिया या नहीं दिया आई हैव नो आइडिया मेरे को ध्यान नहीं है आप प्लीज देख लेना ठीक है आप प्लीज देख लेना बालक हो प्लीज देख लेना राइट right, चलो तो भाई यहाँ पे जो टीथ हैं वो मॉडिफाई हो गए शार्क, शार्क नहीं होंगे अच्छा बच्चे ध्यान दिया मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया देख रहे हो यहाँ पे कैसे एक्सपोज करे हुए हैं मैंने गिल स्लिट्स और यहाँ पे नहीं करे हुए ढके हुए हैं ये डायग्राम बनाने का पर्पज है अगर कोई डायग्राम को ध्यान से देख रहा है तो बड़ी सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं ठीक तो है तो यहाँ पे विदाउट ऑपरक्यूलम है कवरिंग नहीं है दैट इज वाई यू कैन सी दिल्सलेट्स ओके यहाँ पे नहीं दिख रहे तो मतलब कवरिंग है ओपरक्यूलम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी ओके दो चेम्बर्ड हार्ट है दोनों में तो क्योंकि अलग नहीं है तो इसको हम बहुत ज़्यादा भाव नहीं देंगे आईज प्रेजेंट है टिम्पेनम बच्चे एबसेंट है ठीक है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन केस ऑफ शार्क इन केस ऑफ शार्क या फिर कॉन्डिक में आपके पास बच्चे क्लासपर्स होते हैं क्लासपर्स क्या है कोपोलेशन के लिए आपको चाहिए ठीक है क्लास्पर्स क्यों चाहिए बच्चे को के लिए चाहिए और कहां प्रेजेंट होते हैं पैल्विक फिंस में दिस इज योर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज योर क्वेश्चन ठीक है दे आर वीवी पैरस एंड दे आर ओवी पैरस ठीक है दे आर वी पैरस दे आर ओवी पैरस डेवलपमेंट बच्चे डायरेक्ट है बाकी ये सारी बातें हमने कर ली अच्छा एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है देखो जरा एयर ब्लैडर यहाँ एयर ब्लैडर नहीं होता आपने देखो आपने कभी शार्क को देखा है शार्क का कभी कोई वीडियो वगैरह कुछ देखा होगा शार्क हमेशा चलती रहती है क्यों एयर ब्लैडर नहीं होता अगर नहीं चलेगी तो सिंक हो जाएगी डूब जाएगी अब ना डूबे इसलिए बेचारी चलती रहती है सारा टाइम ठीक है इट कीप्स ऑफ मूविंग बिकॉज इट हैज़ नो एयर ब्लैडर यहाँ बच्चे एयर ब्लैडर है ये सिंक नहीं होती इनकी बॉयंसी मेंटेन रहती है आपने ये जो दूसरी फिश होती है इनको देखा होगा ऐसे रुकी भी रहती हैं रुक जाती है एक जगह पे शार्क नहीं रुक सकती आ आ, आ, आ नहीं रुक सकती ठीक है चलो अब इसका ट्रिक क्या है इसका एक ट्रिक है मेरे पास ये रहा कॉन्ड्रिक्टिस को याद करने का ट्रिक जरूर है मेरे पास ऑस्टिक्टिस <laughs> का नहीं है मैं बता रही हूँ तुम्हें हमारी चैम्प है प्रीति लेकिन प्रीति ने गड़बड़ काम करा है ठीक है चैंप प्रीति स्कोल्डेड फॉर ट्राइंग गन इन कार चैंप स्टैंड फॉर कॉन्ड्रिक्टिस प्रीति स्टैंड फॉर प्रिस्टिस द सॉफिश स्कोल्डेड स्टैंड फॉर स्कोलियोडोन डॉग फिश फॉर का कुछ मतलब नहीं है ट्राइंग गन मतलब ट्राइगोन इज द स्टिंग रे इज द स्टिंग रे इन कार मतलब शार्कडॉन शार्कडॉन the great white shark, done, डन याद रहेगा या नहीं? नहीं याद रहेगा अब याद रहना चाहिए मैंने पिटाई इतनी कर देनी थक्यू मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते याद रहना चाहिए अब ये? चलो आ जाओ अब अच्छे एम्फीबिया की बात करते हैं ठीक है नाउ वी विल मूव ऑन टू एम्फीबिया कुछ कैरेक्टर्स हैं बस एम्फीबिया के जो इंपॉर्टेंट है बहुत लैंड एंड वाटर में रहते हैं आपको पता है डूअल लाइफ है इनकी ये भी आपको पता है स्केल्स नहीं होते स्किन मॉइस्ट होती है यू नो दैट ठीक है अब मैंने बोल दिया था एंडोस्केल्टन आगे जाके सबका बोनी है दिस इज इंपॉर्टेंट क्लोएका दिस इज इंपॉर्टेंट वॉट इज क्लोएका मैम दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो क्लोएका क्या है बच्चे क्लोएका इज एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री के नाम योर रिप्रोडक्टिव एंड योर यूरिनरी ट्रैक्ट तीनों के तीनों ओपन होते हैं एक कॉमन कॉमन चेंबर में जिसको हम बोलते हैं क्लोइका, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट दे ओपन इनटू कॉमन चेंबर कॉमन चेंबर जो क्या है क्लोइका, कहा मिलेगा मुझे एम्फीबियंस में मिलेगा तो दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ओके चलो भाई गिल, स्किन लग सबसे हो रहा है यहां पे रेस्पिरेशन इतना कोई बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाले हमें यूनिक वाले फीचर्स पे ज्यादा फोकस करना है बच्चे हार्ट यहां पे थ्री चैम्बर्ड आ गया देखो अभी तक दो था यहां थ्री आ गया थ्री का बोले तो दो ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है तो ये पोए किलो थम्स ही हैं ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे किडनी ही यूज हो रही है बच्चे अब तो एक्सक्रीशन के लिए फर्टिलाइजेशन टिम्पैनम एक्सटर्नल है। टिम्पैनम है होता है इनडायरेक्टर uh, टेडपोल बनता है अच्छा बच्चे बॉडी इज डिवाइडेड हेड रंग टेल एंड इन सम फॉर एग्जांपल आपके जो इसके एग्जांपल्स है वो देख लो वो क्या है सेलेमेंडर इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है सैलेमेंडर ठीक है बूफो विच टोड Hila, which is tree फ्रॉग एंड रैना which इज द फ्रॉग ठीक है which इज द फ्रॉग चार है सेलेमेंडर बुफो हाइला एंड रैना याद रख लेना प्लीज Reptiles पे आ जाओ बच्चे रेप्टाइल्स पे रेप्टाइल्स क्या क्रीप एंड क्रॉल करेंगे आई डोंट need टू टेल यू दैट दिस इज इंपॉर्टेंट यहां पे स्केल्स होते हैं और scutes होते हैं क्या होते हैं स्केल्स और scutes होते हैं क्यों होते हैं बच्चे क्योंकि ड्राई कंडीशन में रहते हैं इसलिए दे हैव स्केल्स और इसके इनकी जो स्किन होती है कैसी होती है कॉर्निफाइड होती है किताब में लिखा हुआ है कॉर्निफाइड स्किन वाई दे हैव कॉर्निफाइड स्किन बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ठीक है <laughs> अच्छा थैंक यू कृष्णा यार थैंक यू ओके थैंक यू कॉर्निफाइड स्किन क्यों होती है बच्चे क्योंकि ये रहते हैं ज्यादातर सूखे इलाके में रहते हैं इसलिए इनको स्केल्स भी बनाने पड़ते हैं स्क्यूट्स भी बनाने पड़ते हैं है ना और इनको कॉनीफाइड स्किन भी रखनी पड़ती है सो दैट दे आर एबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वॉट लंग कर रहे हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अब ही होने वाला आगे हार्ट बच्चे थ्री चेम्बर्ड है क्रोकोडाइल में चार होता है क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड होता है ठीक है लेकिन क्रोकोडाइल फोर चेम्बर्ड हार्ट है बट स्टिल इट इज अ पोइकिलोथर्म यहां पे भी बच्चे टिम्पेनम है ओके वो भी होते हैं ये Uh, अच्छा यहाँ पे क्या यहाँ पे भी आप देखो स्किन जो है शेड कर देते हैं जैसे कि जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो भी स्किन शेड कर देते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट uh, एक अलग से यूनिक कैरेक्टर दिया हुआ है ये भी देख लेना अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है आ जाओ इसके एग्जाम्पल्स हैं शिलॉन इस टोटल टेस्ट्यूडो इज थॉटेस

जा भी है ये देखो नाजा है ना कोबरा किंग कोबरा इज योर नाजा ना जा ना जा तो दूर एक गाना है ना ऐसा चलो भाई एव्स एव्स अम्बरा तो आई तू लग दिए हूर समथिंग 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 ना 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 समथिंग समथिंग चलो आ पे गए, फिर है, बहुत बड़ा major task. हाँ, एवस, 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 एवस. अब ये बताने की जरूरत है टेस्टियल होते हैं पानी में तो बहुत कम होते हैं ठीक है ठीके? भाई उड़ते हैं ये भी बताने की मुझे जरूरत है बच्चे दीज आर होमियोथर्मस ठीक है दीज आर होम्योथर्म्स दे आर होम्योथर्म्स थर्म्स ठीक है वॉर्म ब्लडेड हैं ये और मैमल्स वॉर्म ब्लडेड हैं इनके पास केवस होते हैं हाइंड लिम्स पे और इनके पास फेदर्स होते हैं स्किन इनकी भी ड्राई होती है इनका जो एंडोस्केल्टन uh, है दैट इज ऑल्सो बोनी ठीक है न्यूमैटिक बोन्स होती हैं बच्चे इनके पास अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था 2021 में ये क्वेश्चन आया था देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये देखो न्यूमैटिक बोन्स मतलब एयर कैविटीज हॉलो हैं होलो क्यों है बच्चे

Yes, इसके पास होंगे न्यूमैटिक बोन्स आ जाओ ठीक है जी ये वाली बात तुम्हें मुझे बतानी थी ओके okay, चलो आ, आ जाओ आ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे न्यूमैटिक बोन्स इज इंपॉर्टेंट सो इसके पास गिजर्ड एंड क्रॉप होगा बीक प्रेजेंट होगी ये कोई बताने वाली बात है कि इनके पास बीक होती है ये भी बताएंगे अब हम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं बीक होती है होती है लंग्स है बच्चे ठीक ठीक तो है, है? तो के लिए, They also have air sacs. देखो यहां पे आपका लिखा होगा, air sacs air sacs बच्चे respiration का काम नहीं करेंगे, देखो, air sacs, respiration का काम नहीं करते ये सिर्फ हवा को स्टोर करके रख सकते हैं सप्लीमेंट करने के लिए लंग्स को अगर हवा चाहिए तो यहाँ से ली जा सकती है राइट ठीक है ना ओके okay, एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल्स आर खोर्वस इज द क्रो कोलबाइजन सिटा किलो इज द पैरट श्रुथियो इज द ऑस्ट्रिच पावो इज दीकॉक एपेंडाइटिस इज दिनोडाइटिस इज द पेंगविन एंड नेफरन इज द वल्चर ठीक है अब भाई मेमेलिया पे आ जाओ ठीक <laughs> है ये सारा यहाँ पे मैंने लिखे ही हुए हैं देख लेना एक दो अगर मिस होना एग्जाम्पल uh, तो प्लीज लिख लेना आ जाओ मेमेलिया पे आ जाओ में में बच्चे क्या हमें लिखने की जरूरत है कि मोस्टली ये क्या है है कुछ एक्वाटिक भी होते हैं लिम्स इनके उड़ भी सकते हैं ये दौड़ भी सकते हैं ये स्विम भी कर सकते हैं भाई हर तरह से मॉडिफाई कर लिए गए हैं स्किन में बच्चे क्या है हेयर हैं और ऑल्सो दे हैव स्वेट ग्लैंड ठीक है विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ ओ सॉरी उल्टा बोल दिया दे हैव मेमरी ग्लैंड ठीक है विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्वेट ग्लैंड ठीक है यस ओके okay, चलो मैम समझ नहीं आया कॉर्डेट्स में नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम बच्चे जब तुम छोटे बच्चे थे आ, मदर के अपने मम्मी के टमी में थे तब आपके पास नोटोकॉड था ठीक है फिर आहिस्ता आिस्तक वो नोटोकॉड किस में बदल गया किससे रिप्लेस हो गया तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया तो तुम्हारे पास अभी नोटोकॉड नहीं है यू हैव द दर्टिब्रल कॉलम ठीक है आपके पास वोटिब्रल कॉलम है ओके ये होता है

इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स इसी से नाम पड़ा है मैमल्स एंड ऑल्सो हैव डायफ्राम बच्चे डायफ्राम ना जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं वो भी वो जो मसल है आपका वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ठीक है वो भी मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओके okay, चलो आ जाओ देखिए ओवी पेरिस में क्या है आपका एग्जाम्पल You have या फिर प्लेटिस पस एक और एग्जाम्पल है दो एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए विवी पैरिस में बच्चे आपके पास है मैक्रोपी पैरिस सारे हैं बाकी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे विवी पैरिस होंगे कहा गए मैक्रोपस इज कैंग फॉस्ट कैमलियस इज कैमल मकाका इज मंकीटस इज रेट कैनिस इज डॉग फैलिस कैट एलिफास इज एलिफेंट एक्वेस इज हॉर्स बच्चे डेल्फाइनस इज डॉल्फिन is blue इज ब्लू वेल पैंथेरा tiger, इज टाइगर is lion. ठीक है ओके okay. चलो भाई लोगों, चैप्टर खत्म हो गया और मुझे बता देना अगर कुछ इफ यू फील लाइक कि नहीं ये वाली चीज रह गई थी मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा है ठीक है जी ओके okay. चलो भाई लोगो हाँ जी बच्चे ये ना ना टॉर्पिडो ये है ना आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला पॉइजन स्ट्रिंग वाला आपका क्या ट्राइगोन है टॉर्पीडो इज कॉन्ट्रिक ओनली इट इज कॉन्ट्रिक्थिस ओनली ठीक है फाइनली डन विद द चैप्टर और ना लाइक और लाइक भी कर दिया करो सेशन को ऐसे ही तुम लाइक भी नहीं करते हो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है जी हाँ ओके बच्चे तो डू लेट मी नो आ, मैं इसके नोट्स अभी आपको भेज दूंगी थोड़ी देर में ठीक है मुझे बताना ज़रूर कि सेशन कैसा रहा और कमेंट करके बताना कि कैसा रहा अच्छा लगा तो अच्छा बता देना और कुछ लिखने का मन ना करे तो दिल बना देना ठीक है दिल, दिल बना देना ओके ठीक है चलो फिर कल अपन शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ आप चलो जी ठीक है ओके बच्चे बाय बाय टेक केयर एन आई सी यू मोरो अच्छा अभी तो अभी हमारा दस मिनट में एक और सेशन है जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का तुम्हें पूरा का पूरा बताने वाली हूं क्या हम करने वाले कैसे हम करने वाले हैं आई टॉक अबाउट दैट एंड ओके ठीक है uh, okay. ना चलो मिलते हैं दस मिनट में बाय बाय बच्चे टेक केयर ठीक है ओके